घड़ी की जरिए वीडियो रखी है, वीडियो रखी है कितने गाने के लिए नहीं घड़ी की जरिए चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। कल का डे वन था हमारा और हमने तकरीबन कल चार के तीन के करीब न्यूमेरिकल्स, तीन या चार न्यूमेरिकल्स किए थे अलॉन्ग विद डेड। हमने कोई 20 के करीब, 20 तो नहीं 15 के करीब हमने स्टैटिकल क्वेश्चन भी देखे थे जो सेम वे में आ रहे होते हैं। अब हम चलते हैं डे टू की तरफ और आज हमारा सेल्स टैक्स जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। जितना कल किया था जितना आज कर रहे हैं अगर आप ये कर लेते हैं सेल्स टैक्स इतना ही करना है और इसी में से आपको क्या करने हैं सारे अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे और आज हमारा डे टू है सेल्स टैक्स की तरफ से, तो उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है और कैसे है। जो स्लाइड्स थी वो ड्राइव के अंदर अपलोडेड थी, ड्राइव का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ था जो आपके रिविंग का ग्रुप है, तो वहाँ से आप उसको जाके कल के नोट्स को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम करेंगे आप न्यूमेरिकल से और न्यूमेरिकल से लेकर चलेंगे वही, आप लोगों ने ज़रा कैलकुलेटर निकाल देने और आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी, वो देखना है हमने। कहते हैं मिस्टर फुलाद इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ होम अप्लायंसेस। वो क्या कर रहा है, वो होम अप्लायंसेस के बिजनेस में क्या है रजिस्टर्ड भी है और चूंकि मैन्युफैक्चरर है इसे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। उसने इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी परचेजेज हैं लोकल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ओके। इसके ऊपर इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट आएगी, इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं ले पाएंगे, कोई किसी किस्म का इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद कहता है सप्लाइज लोकल टैक्सेबल सप्लाइज की हैं, ठीक है 18% पे हैं। लोकल टैक्सेबल सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हम इसको स्टार करेंगे क्यों, बिकॉज इसके ऊपर हम क्या चार्ज करते हैं फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं। उसके बाद इसने एक्सपोर्ट्स की हैं कनाडा और यूएसए को, तो ये किसके ऊपर होगी, ये हमारी काउंट होगी ज़ीरो रेटेड के ऊपर। अब चूंकि मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें यहाँ से क्या हो जाती है समझ आ जाती है कि क्या करना पड़ेगा, हमें अपोर्शनमेंट जो है वो चार्ज करनी पड़ेगी। अब फर्दर कहता है अ न्यू मशीन परचेज फॉर रुपीज़ 1.2 मिलियन, सॉरी 12 मिलियन वॉज कमीशन इन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग फेबररी 2023। 2023 में क्या हुआ, 2023 में हमने एक मशीन जो है वो हम इस्तेमाल पर लगा दी है। उसके बाद है सब स्टैंडर्ड सप्लाइज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4.5 मिलियन वर रिटर्न टू वेंडर्स, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वर रेज इन दिस रिकार्ड। यहाँ पे बात कर रहा है परचेज रिटर्न की जो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। फिर गुड्स वर्थ रुपीज़ 7.2 मिलियन वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर्स, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर रेज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारी सेल्स रिटर्न की हो रही है। उसके अलावा है एक अमाउंट है 8,20,000 रुपये की जो परचेजेस से रिलेट कर रही है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज़ आउटस्टैंडिंग स्टिल सिंस जुलाई 2022।
The related input tax was accounted for in the relevant tax period. वो हमने क्या किया था, क्लेम कर लिया, मतलब हमने पेमेंट उधार पे लिया हुआ था और हम इसे क्लेम नहीं कर पाए हैं अभी, मतलब हमने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया था बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं की और एंड पे हमारे पास आ रहा है जो सेल्स टैक्स क्रेडिट हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है प्रीवियस मंथ से, वो इसने हमें क्या किया है, प्रोवाइड किया है कि ये मेरा क्या है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड है, वो कितना बन रहा है, 9,10,500 का है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा हम पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की, कि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते, उसी के पर्सपेक्टिव पे क्या किया रहेगा, उसी पर्सपेक्टिव पे हम इसको लेके चल रहे होंगे। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया या आप कह सकते हैं इनपुट टैक्स से रिलेटेड सबसे अहम एरिया है, वो हमारा क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, कि इनपुट टैक्स कब एडजस्ट हो सकता है और किस तरह से हम उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, वो हमने क्या करना है, सारा यहाँ पर देखना है, सारा यहाँ पर हमने सीखना है। देखें, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो रिमेंबर उसको क्या करने चाहिए, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर ही वो क्या कर पाएगा, क्लेम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में आया भी हुआ है, वो है कि बताएं आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं होने चाहिए अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं। रिमेंबर, अगर आपने लोकल परचेजेस की हैं तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका नाम, जिसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर आप बिजली का बिल वगैरह पे किया है, उसके ऊपर आपका नाम, उसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फिर जो आपने टैक्स पे किया होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो इंपोर्ट के केस में क्या होना चाहिए, आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन या जो बिल ऑफ एंट्री है वो होना चाहिए। एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्स आपने पे किया होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ऑक्शन में, नीलामी में कोई गुड्स वगैरह परचेज की हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग चालान होना चाहिए जिसके ऊपर आपका एनटीए नंबर लिखा हो। तो आप, अगर आपके पास ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है, आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर हम किसी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल गए तो हम नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने जुलाई में परचेजेस की थी और जुलाई में आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए, अब आपके पास टाइम है नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड, दैट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप जनवरी तक क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर जनवरी के बाद आपको याद आया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए। ऑटम 2020 में सवाल आ चुका हुआ है कि ये हमारे पास है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सन एसोसिएट हैज़ रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ठीक है, रिक्वायरमेंट है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स विच एस ए मे रिक्वायर फॉर क्लेमिंग एडजस्टिंग द इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। बताएं उसको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो फिर किस डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, इसका एनटीएन नंबर जो है मेंशन होगा। अगर उसने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो उसके पास जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए, और अगर उसने ऑक्शन में गुड्स परचेज की हैं तो उसके पास क्या होना चाहिए, ट्रेड चालान जिसके ऊपर उसका एनटीएन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो ये 5 नंबर का सवाल है विच इज़ सोलली रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। अगर आप इसको वन लाइनर लिख देते हैं कि आपके पास ऑक्शन में चलान हो, गुड्स डिक्लेरेशन हो और इनवॉइस हो जिसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर जो है वो क्या है, आपका क्लेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है इनपुट टैक्स, जब भी हमने क्लेम करना होता है हम क्या करते हैं, हम इनपुट टैक्स को एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम कर रहे होते हैं, मतलब जिस मंथ से रिलेट करता है हम क्या करते हैं, हम उसको उसी मंथ में क्लेम कर रहे होते हैं। जिस मंथ से रिलेट करेगा हम क्या करेंगे, उसको उसी मंथ में क्लेम कर रहे होते हैं।
लेकिन इसके एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि हम इसको पेमेंट बेसिस के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं, और वो एक्सेप्शन किसके सिर्फ लिए आती है, वो यूटिलिटी बिल्स के लिए आती हैं। अब आप खुद देखें, अगर आपने अगस्त के महीने में बिजली का बिजली इस्तेमाल की है, उसका बिल कब आएगा आपको? सितंबर में आएगा। तो आप पेमेंट कब कर रहे हैं? सितंबर में। तो बिजली का बिल एक वाही चीज़ है जिसको आप जब आप पे करेंगे, आप पेमेंट बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं? उसको क्लेम कर सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर? पेमेंट बेसिस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे हैं वो सारे किस बेसिस पे क्लेम हो रहे होते हैं? एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम हो रहे होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हमने कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इनवाइस, जिसके ऊपर हमारा NTN नंबर जो है मेंशन होना चाहिए। अब बिजली का बिल जो हमारे पास आएगा वो भी क्या होगा? हमारे लिए इनवाइस ही होगी। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर आप रेंटल प्रेमिसेस के ऊपर हैं, अगर आपने किराए की बिल्डिंग ली हुई है, किराए की फैक्ट्री ली है, तो बिल तो आपके नाम पे नहीं होगा, मीटर आपके नाम पे नहीं होगा, वो तो ओनर के नाम पे होगा जिसकी बिल्डिंग थी। लेकिन अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स में डिक्लेयर कर दिया है कि ये मैं मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसका कंज्यूमर नंबर है, अब बेशक उस मीटर के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, बेशक उसके ऊपर आपका नाम एडजस्टेड गिवन नहीं है, आपका NTN गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अपने पर्टिकुलर्स में गिवन कर दिया था, बता दिया था, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्लेम कर सकते हैं। तो बिजली का बिल जो है वो दोनों रूल्स की एक्सेप्शन है, एक अक्रूवल बेसिस की भी एक्सेप्शन है, और दूसरा एक इसकी एक्सेप्शन है कि अगर आपका नाम वगैरह बिजली के बिल के ऊपर मेंशन नहीं है, स्टिल ये क्या कर सकते हैं? आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पेपर में आपको आ रहा होता है, क्या है और क्या नहीं है। रिमेंबर, अगर हमने किसी भी इनपुट टैक्स अपना रेलेवेंट पीरियड में क्लेम नहीं किया, हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसको नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक क्लेम कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर चीज़ देखी, और रिफंड जो है वो हम अब 1 साल तक जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें से उसने 110% एक ना एक एडजस्टमेंट जो है वो न्यूमेरिकल में भाई साहब ने पूछनी ही पूछनी है। एक आधी एडजस्टमेंट जो है वो क्या करेगा? वो न्यूमेरिकल में पूछेगा ही पूछेगा, लाजमी है ये। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें से आ रहा होता है कि बताएं वो कौन से सरकमस्टांसिस हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम इनपुट टैक्स को बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, हमारा इनपुट टैक्स बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकता, वो हमने देखना है। रिमेंबर, अगर हम एग्जाम गुड्स में डील कर रहे हैं या हम एग्जाम सर्विसेज में डील कर रहे हैं, हमने कल भी बात की थी कि अगर हमारी सप्लाई एग्जाम गुड्स की है, हम कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स जो है क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा वो तमाम गुड्स या वो तमाम सर्विसेज जो आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली है, मतलब नॉन बिजनेस यूज के लिए, लाइक आपने एज एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर कंज्यूम की है, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपकी फैक्ट्री है, आप सामान बना के बेच रहे हैं, बट आप टिश्यू लेके आते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने परचेज किया होगा बींग एन एंड कंज्यूमर, अगर आपने ये बींग एन एंड कंज्यूमर बाय किया है, इसके ऊपर टैक्स पे किया है, आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जिसके ऊपर एडजस्टमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव लॉस में टाइम बार्ड हो चुकी हुई है कि आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, वो भी हमारे पास क्लेम नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो है ये पेपर में न्यूमेरिकल्स में आता है। पॉइंट नंबर 1 जो है ये हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने कल अपोर्शनमेंट भी की थी, और अपोर्शनमेंट में हमने देखा भी था कि जितना इनपुट टैक्स हमारा रिलेट कर रहा है एग्जाम्ड गुड्स से, उसे हम क्या करते हैं? क्लेम नहीं कर पाते, वो मेरा वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर मेरे पास फेक इनवॉइसेस हैं, मेरे पास जाली इनवॉइसेस हैं, तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5 भी पास्ट पेपर में जो है टेस्टेड है कि अगर आपने गुड्स बाय की हैं, आप टैक्स पे करके आगे, लेकिन सप्लायर ने अभी तक वो टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया, ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया, तो वो भी हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल भी आता है, ये आपको न्यूमेरिकली भी आता है। देखिए, न्यूमेरिकली इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, अगर आपको पेपर में आएगा, पेपर में कहते हैं कि डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट होगी एक क्रेस्ट से। क्रेस्ट क्या है? आपका कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन सिस्टम है हमारा, आप समझ लें सॉफ्टवेयर है, आप जिससे खरीदते हैं वो अपनी सेल्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करता है,
जिसने बाय किया होता है वो अपनी परचेज की इंफॉर्मेशन एंटर करता है, तो दोनों इनवाइस मैच होती हैं, आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने दिया जाता है। लेकिन अगर इसने कोई डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी है, कोई एरर इंडिकेट कर दिया, आपने कंप्यूटर में अपनी इनवाइस एंटर की, उसने कहा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एरर आ गया, तो पेपर में हमने इसका क्या करना है, पेपर में अगर कभी भी डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, हम उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि प्रोविजनली बेसिस के ऊपर हमें ये अलाउ हो जाता है, हम आज क्लेम कर लेंगे, हमें टाइम दिया जाएगा 1 महीने का, मतलब अगले महीने की 10 तारीख तक का, हमने जाके सप्लायर से बात करनी होगी, उसे कहा कहना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो क्लियर कर दे, अगर वो डिस्क्रिपेंसी क्लियर करवा देगा तो ठीक है, अगर वो डिस्क्रिपेंसी क्लियर नहीं करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें डिसअलाउ हो रहा होगा। लेकिन ये पेपर में सुपर इम्पॉर्टेंट है, आपने सिंपल याद रखना है कि डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई हम क्या करेंगे, हम उसको डिसअलाउ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर व्हिच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन हिज रिटर्न एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आपने रिटर्न फाइल की थी कुछ चीज़ों के बारे में आपने बताया ही नहीं था, और आप उसका अगर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहेंगे वो भी क्लेम नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है और एफबीआर जो है आपसे आपके सामान की इन्फॉर्मेशन मांगता है कि बताएं क्या लिया है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, परचेजेस से रिलेटेड कोई स्पॉटेड डॉक्यूमेंट्स, कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप तब भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी व्हीकल्स वगैरह आपने लिए हैं जो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है, देखिए टोयोटा वालों के लिए व्हीकल क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, होंडा वालों के लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, सुजुकी वालों के लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन अगर इन्होंने एसबीआई ने व्हीकल बाय किया इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। जो व्हीकल्स अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है उसके ऊपर कोई आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो हम क्या कर लेंगे, उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके एक एक्सेप्शन है, वो है फॉग लिफ्टिंग व्हीकल्स। आपने अक्सर देखा होगा मेट्रो में जाएं या किसी बड़े स्टोर में जाएं तो उनके स्टोर्स में लिफ्टर लगे होते हैं, सामान उतार रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, वो लिफ्टर हालांकि हैं तो चार पहिए, बट उसे हम किसका पार्ट बना रहे हैं, अपनी मशीनरी का पार्ट बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 11 हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल्स में टेस्टेड मिलेगा। देखें, असूल वही है कि कोई भी चीज़ अगर बीइंग एन एंड कंज्यूमर आपने बाय की है ना, कोई भी चीज़ जो बीइंग एन एंड कंज्यूमर आपने बाय की है आप उसके ऊपर कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने कोई बिल्डिंग मटेरियल लिया जैसे सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रिक गैस अप्लायंसेस हो गई, पाइप फिटिंग्स वगैरह हो गई, अगर आप ये खरीद रहे हैं, सीमेंट लेके आए हैं, बिल्डिंग पे लगा दिए, पेंट लेके आए हैं, बिल्डिंग पे लगा दिए, तो इसके ऊपर कभी भी आप इनपुट टैक्स वगैरह जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी मशीनरी या कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी जो 8th schedule में फॉल करती है, जिसके ऊपर रिड्यूस रेट पर टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 13 हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेहरबान एसोसिएट ऑटम 2021 में ये एडजस्टमेंट आ चुकी हुई है पेपर में, कि अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या की है, सेल्स की हैं, और उसने अगर आपको अपना आईडी कार्ड जमा नहीं करवाया था, तो 1 लाख से ऊपर की सेल्स की है रजिस्टर्ड को, उसने आपको आईडी कार्ड सबमिट नहीं किया, तो उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जिनके ऊपर एफबीआर कह दे कि आप इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आपको वो अलाउ नहीं होगा। जैसे वो कौन से गुड्स हैं, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गए, गारमेंट्स हो गया, उसके अलावा गिफ्ट्स एंड गिव अवे। अब गिव अवे वाला पॉइंट जो है ये ऑटम 2023 के अंदर टेस्टेड है। रिमेंबर, ये जो गिव अवे वाला पॉइंट है, ये किन गिव अवे की बात हो रही है जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, डायरी दे दी है, पेन दे दिया, ये वो गिव अवेज हैं, ये फ्री में चीज़ें हैं जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। अगर आपकी फैक्ट्री है एसी बनाने वाली और आपने अगर 50 AC गिव अवे कर दी है प्रमोशन में, इनकी कमर्शियल वैल्यू है, अगर ये गिव अवे किए जाएंगे इसके ऊपर टैक्स जो है चार्ज होगा। लेकिन वो तमाम गिव अवेज जैसे डायरीज हो गई, कैलेंडर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें गिफ्ट वगैरह कर रहे होते हैं, पेन दे दिया आपने, इनके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, फर्नीचर हो गया, फिक्स्चर्स हो गया, क्रॉकरी हो गया, कटलरी वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें आपने बीइंग एन एंड कंज्यूमर बाय की होती हैं, आप इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें से पेपर में अक्सर सवाल जो है हमें थ्रेटिकल आ रहे होते हैं, बताएं कि इनपुट टैक्स क्लेम कब कर सकते हैं और कब हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते।
जैसे ऑटम 2010 का सवाल है, स्टेट द सिचुएशन व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बताएं कब इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसमें से कोई से 5 से 6 पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं एग्जाम गुड्स हैं, नहीं हो सकता। फेक इनवॉइसेस हैं, नहीं हो सकता। गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज़ नॉट बिन डिपॉजिटेड, नहीं हो सकता। क्रेस्ट वाला पॉइंट लास्ट में लिखिएगा, अच्छा पॉइंट है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स क्लेम नहीं हो सकता, व्हीकल्स के ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। तो ये 5 से 6 पॉइंट जो हैं याद कर लें, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपके मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए थे वो लास्ट में लिखिएगा। एक क्रेस्ट वाला पॉइंट हो गया, उसके अलावा बिल्डिंग वाला पॉइंट हो गया, और ये जो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं जिनका आईडी कार्ड नहीं है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये लाजमी लिखिएगा। ये 3 पॉइंट याद कर लें, बाकी 3 कोई भी लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद स्प्रिंग 2012 का सवाल है, एम एस मर्थ इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज जीरो रेटेड प्रोडक्ट। क्या कर रहा है? टैक्सेबल और जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बना के बेच रहे हैं। एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, ये आपने उसको देनी एडवाइजरी। द कंडीशन डेट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। बताएं कौन कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इनपुट टैक्स एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर जो है मेंशन होना चाहिए। और इनपुट टैक्स जो है वो हमने क्या करना होता है, रेलेवेंट पीरियड में क्लेम करना होता है, अक्रूअल बेसिस में। अगर अक्रूअल बेसिस पे क्लेम नहीं कर पाए, मतलब भूल गए हैं, तो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। और पेमेंट जो है वो आपने करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। उसके बाद है एनी 7 सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज। कोई भी 7 सिचुएशन जिसमें हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, फेक इनवॉइसेस, एग्जाम सप्लाइज, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, सेल्स टैक्स नॉट डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर, उसके अलावा वो तमाम गुड्स जिसकी इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर की गई है आपने अगर वो नहीं दी वो इसमें आ जाएगा, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स आ जाएगा। तो ये 5 से 6 पॉइंट जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वो कोई इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर पाती तो उसके पास क्या रेमेडी होगी? अगर कोई इनपुट टैक्स क्लेम करना याद नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम हो सकता है। एक और चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी कि टैक्सेबल गुड्स के अगेंस्ट क्लेम करेगी और जो गुड्स होंगी इसकी जीरो रेटेड उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, इसको रिफंड मिल रहा होगा। और रिफंड कितने दिनों में मिलेगा? 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न में इसको मिल रहा होगा। फिर स्प्रिंग 2015 का सवाल है, सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। अब जहां पे एक्सपोर्ट आ गया है वहां पे किसका हमें जिक्र करना पड़ेगा, जीरो रेटेड का। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एडवाइज सलीम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, को हमने इन मैटर्स में एडवाइजरी देनी है। ये सवाल है 6 और 3, 9 और 4, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्प्रिंग 2015 में आया हुआ है। एनी 6 सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो 6 नंबर का सवाल पूछ रहा है, फेक इनवॉइसेस हो गया, डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट लिख दीजिएगा, व्हीकल्स वाला पॉइंट लिख दीजिएगा, एक्स्ट्रा टैक्स वाला पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर ये बिल्डिंग मटेरियल वाला पॉइंट आ जाएगा बीच में, और उसके अलावा कोई भी अगर आपको एक पॉइंट याद आ रहा है जिसमें अगर आपने सेल्स की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 लाख से ऊपर, उसका आईडी कार्ड नहीं लिया, तो वो भी आप क्लेम कर नहीं कर पाएंगे। तो ये 6 सिचुएशंस जो हैं वो लिखनी है। फिर पॉइंट नंबर 2 है, बताएं वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो जीरो रेटिंग के प्रव्यू से बाहर हैं। तो सिंपल सी बात है, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, अभी कल डिस्कस किया था उसके ऊपर हम रिफंड, वो 18 पे ट्रीट हो रही होती हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, चाइना और इराक, ईरान और अफगानिस्तान बाय लैंड रूट, इसको भी हम जीरो ट्रीट नहीं कर रहे होते। किस पे ट्रीट होती है? 18% के ऊपर। उसके अलावा गुड्स एक्सपोर्ट बट री इम्पोर्टेड, वो भी इसके ऊपर ट्रीट नहीं हो रही होती। उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर अ मंथ। बताने
अब इसका जवाब आपने किस परस्पेक्टिव से देना है, ये एक्सपोर्टर भी है और ये लोकल भी बेच रहा है, तो हम सिंपल कह देंगे जो लोकल गुड्स हैं उसके अगेंस्ट अगर इसका इनपुट टैक्स ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो होगा उसे क्या मिलेगा, रिफंड मिल रहा होगा, और रिफंड कितने दिनों में मिलेगा, 45 डेज में। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, जो हम मंथली एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारी क्या होती है, प्रोविजनल एडजस्टमेंट होती है, और जो हम साल के एंड पे करेंगे वो हमारी क्या होती है, फाइनल एडजस्टमेंट कहलाती है। तो ये दो कंसेप्ट से गालिबन 14 से 15 मार्क्स की थ्योरी जो है वो टेस्ट हो रही होती है। आप गौर करेंगे तो ये सारे सवाल जो है वो स्प्रिंग में पूछ रहे हैं। अब स्प्रिंग 2021 में आ जाते हैं, स्प्रिंग 2021 में है कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी या एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। आपने बताना है क्या इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, या इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ होगी कि नहीं होगी, ये आपने बताना है। 8 नंबर का एंड वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन ये भी काउंट हो रहा था हमारा इस अटेम्प्ट में। पहला है फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द कंपनी सीईओ एज पर द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। हम ये कल पढ़ के आ चुके हैं सप्लाई के डेफिनेशन में, अगर मैन्युफैक्चरर है अगर वो फ्री में गुड्स दे रहा है, बेशक बिजनेस यूज के लिए दे बेशक नॉन बिजनेस यूज के लिए दे, वो क्या होगी, सप्लाई का पार्ट बनेगी। तो ये सीईओ को दिया जा रहा है, ये सप्लाई का पार्ट बनेगी, इसके ऊपर क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर टोयोटा वाले हैं वो अपने सीईओ को गाड़ी फ्री में दे देते हैं तो सप्लाई का पार्ट है, वो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होगा। उसके बाद फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी, अंडर वारंटी में कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। उसके बाद है पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ द डायरेक्टर यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड। आपने कोई भी पेमेंट करनी होती है वो आपने हमेशा बिजनेस बैंक अकाउंट से करनी होती है, अगर आपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कर दी है तो आप उसके ऊपर कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप। ये भी कल डिस्कस किया था वैल्यू सप्लाई में कि मार्कअप एक्सक्लूड हो जाएगा, जो एक्सक्लूसिव ऑफ मार्कअप होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा, वही हमारी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, उसके अलावा एडवांस पेमेंट, एडवांस का हमने कल भी जिक्र किया था कि एडवांस हमारा क्या होता है, इग्नोर होता है, जब हम एक्चुअल गुड्स सप्लाई करते हैं तभी हम उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर लोकल सप्लायर्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट होती है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर देखें पॉइंट नंबर 7, मटेरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अभी पढ़ के आए हैं, ये आपने मटेरियल परचेज किया है बीइंग एन एंड कंज्यूमर लिया है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज किया गया है, ये एक एक्सेप्शन है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट वाला रूल हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, पेमेंट वाला रूल जो है वो हमारे लिए क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वो एडजस्टमेंट है जो आपको 100% उस न्यूमेरिकल में देनी ही देनी है। देखिए पेमेंट अगर आपने करनी है, जब भी पेमेंट करेंगे तो रिमेंबर पेमेंट आपने करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल, लेकिन 50,000 तक की पेमेंट जो है वो आपको कैश में अलाउ हो सकती है, या यूटिलिटी बिल्स बिजली के बिल हो जाएं, या 50,000 तक जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी रकम पे करनी है वो किस में करेंगे, आप थ्रू बैंकिंग चैनल ही पे कर रहे होंगे। और ये आपने पेमेंट करनी है बाय अक्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी क्रॉस चेक है या जो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र है उसमें कर सकते हैं, और ये बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल उधार के ऊपर सामान लिए, हम परचेजिंग करते हैं ऑन क्रेडिट, और ये वाला पॉइंट, ये एडजस्टमेंट हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट गिवन है। अगर आप ऑन क्रेडिट सामान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने सामान बाय किया 15 जुलाई 2024 में, आपने 1 लाख रुपए की गुड्स जो हैं बाय की होंगी, इसके ऊपर 18% के हिसाब से कितना इनपुट टैक्स बनता है, 18,000 जो है ये क्या बना, आपका इनपुट टैक्स बना। अब आपने ये गुड्स जो लिए हैं वो लिए हैं ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर लिए हैं।
अब बेशक आपने उधार के ऊपर लिए हैं, आपने पेमेंट नहीं की, लेकिन जैसे ही आप जुलाई के मंथ की रिटर्न जमा करवाएंगे, आप उसमें क्या कर लेंगे, ये 18,000 जो है क्लेम कर लेंगे, बिकॉज उसने आपको गुड्स जो हैं वो दे दी हैं, उसने आपको गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं, वो आपको इन्वाइस भी इशू कर देगा, वो आपकी सेल्स भी डिक्लेयर कर देगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कोई पेमेंट हुई है, इनपुट टैक्स क्लेम हो गया। अब इनपुट टैक्स क्लेम करने के बैठ गए, अब आपके पास है पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के लिए रूल क्या है कि आपने विद इन 180 डेज करनी है। क्या विद इन 180 डेज? विद इन का वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब है 15 की डेट जो है वो बीच में काउंट होगी। तो जरा काउंट करते हैं, जुलाई कितने दिन आ जाएंगे, 15 से शुरू करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो हमारे पास जुलाई के कितने दिन आएंगे, जुलाई के हमारे पास 17 डेज आ जाएंगे, अगस्त के हमारे पास आ जाएंगे 31 दिन, सितंबर के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, अक्टूबर के आ जाएंगे हमारे पास 31, नवंबर के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, और दिसंबर के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन। जरा यहां तक काउंट करें, कितने डेज बनते हैं, 170। 31 दिसंबर तक कितने दिन हो गए हैं, 170। अब 10 जनवरी 2025 ये हमारे पास क्या है, लास्ट डेट है 180 डेज कंप्लीट होने की। अब मैंने परचेसिंग की थी जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में मैंने ये इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर लिया था, क्लेम कर लिया था, ठीक है। अब पेमेंट मैंने इस डेट तक करनी है विद इन 180 डेज। अगर मैंने पेमेंट अगस्त में कर दी, कोई वायलेंस हुई, कोई वायलेशन हुई, नहीं हुई, सब कुछ ठीक गया, ओके, चले अगस्त में नहीं की, सितंबर में कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, अक्टूबर में कर दिया कोई मसला नहीं है, नवंबर में कर दिया कोई मसला नहीं, दिसंबर में कर दिया तब भी कोई मसला नहीं है, इवन मैं 10 जनवरी तक पेमेंट कर दूं ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही 11 जनवरी का सूरज चढ़ा, कहेंगे भाई जान पेमेंट नहीं किया आपने, टाइम लैप्स हो गया, वो कहेगा ये जो आपने जुलाई के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम किया था, ये लेस किया था, ये क्या हो जाएगा, अब आपको डिसअलाउ हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, अब आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो पेपर में सिंपल आपने एक चीज याद रखनी है, पेपर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं, एक ही रूल याद रखिएगा। आपको उससे सवाल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फरवरी का, अगर स्प्रिंग की अटेम्प्ट है तो फेब आएगा, अगर ऑटम की अटेम्प्ट है तो क्या आएगा, अगस्त आ रहा होता है। अगर फरवरी का सवाल है ना, और 180 डेज अगर फेब से पहले पूरे हो रहे हैं, अगर 180 डेज जनवरी में पूरे हो गए हैं, आप सवाल में इसको इग्नोर कर देंगे। अगर 180 डेज आपके पूरे हो रहे हैं मार्च में, तब भी क्या कर देंगे, आप इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देंगे। क्यों? देखें, अगर जनवरी के महीने में 180 डेज पूरे हो गए थे, तो जब जनवरी की रिटर्न फाइल हुई होगी उसमें उसकी एडजस्टमेंट हो गई, उसका फेब में कोई जो है इम्फेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मार्च में 180 डेज पूरे होने हैं, आप तो फेब कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई किसी की वायलेशन हुई है, नहीं हुई, फिर भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट ही फेब के लिए कर रहे हैं और फेब में ही 180 डेज पूरे हो गए और आपने पेमेंट अगर नहीं की, देन क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको जिस मंथ की कैलकुलेशन की गई है, अगस्त है, अगर जुलाई में 180 डेज पूरे हो गए हैं, इग्नोर कर दो, अगर सितंबर में हो रहे हैं तब भी क्या कर दो, एग्जाम में इग्नोर कर दो, कि अगर अगस्त में हो रहे हैं फिर क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट लेंगे, वो क्या होगा कि ये जो आपने इनपुट टैक्स यहां पे क्लेम किया था वो क्या हो जाएगा, आपका यहां पर डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? उसके बाद है, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो, ये आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम करना हुआ वो भी नहीं होगा। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये काफी अरसे से इंक्लूडेड है बट टेस्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों लग रहा है सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर से सेल्स टैक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी एग्जामिनर ने अभी तक टेस्ट नहीं की, और उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हुई है। लास्ट अटेम्प्ट में चांसेस थे वो इस रूल को न्यूमेरिकली टेस्ट करेगा, नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किया, तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में हो सकता है।
वो है कि इसने लिमिट लगा दी है इसी चीज की। हम जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी, इनकम टैक्स में भी पढ़ रहे होंगे ये रूल, तो इसलिए कि चूंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी एप्लीकेबिलिटी है, सेल्स टैक्स में भी है, तो दोनों टॉपिक्स के लिए ये एक जो रूल है वो हमारे क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये है सेल्स लिमिट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो लिमिट लगा दी गई है कि यार आप उनको सेल कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, उनका नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है कि आप कोई भी ऐसा बंदा जो सेल्स टैक्स में है उसको आप सेल कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको एक महीने में कितनी कर सकते हैं, 10 मिलियन तक की कर सकते हैं। कितनी? 10 मिलियन तक की। और एनुअली कितनी हो सकती है? 100 मिलियन की। 10 मिलियन तक की सेल्स कर दे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की और वो 10 मिलियन से ज्यादा कर दी है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सेल्स कर दी 14 मिलियन की और वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था, तो आपको कितनी अलाउ है? 10 मिलियन की। आपने एक्स्ट्रा कितनी की है? 4 मिलियन की। ये जो 4 मिलियन है ये हमें क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। इसका इनपुट टैक्स जो है वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट न्यूमेरिकली जो है वो पूछा जा सकता है, वो गिवन कर देगा कि आपने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की हैं कितने की हैं और क्या उसकी वैल्यू है। रिमेंबर ये रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसको आपने क्रैम करना है कि ये प्रोविजन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। मतलब अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को सेल कर रहे हैं उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। आप फॉरेन मिशंस को, डिप्लोमेट्स वगैरह को या प्रिविलेज पर्सन को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा वो तमाम लोग जो टैक्सेबल गुड्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो काम एग्जाम गुड्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं हो रही होगी। और रिमेंबर ये रूल जो है ये पर पर्सन है कि आपने 10 मिलियन क्या करनी है? पर पर्सन सेल करनी है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके एक्सेप्शन, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है और ये रूल जो है वो हिमसेल्फ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इसकी बैंकिंग करने वाली बात जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब जरा वापस हम आते हैं जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, ये वाला, ये हमारा न्यूमेरिकल था। अब इसको हमने रीड आउट कंडीशन न्यूमेरिकल को सारा डिस्कस कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज यहां पे पॉइंट था कि अगर आपने पेमेंट की है, आपने बाय किया था और आपने स्टिल पेमेंट नहीं की, तो 180 डेज में पेमेंट जो है आपने करनी होती है। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये भी हमने सारा पढ़ लिया, इनपुट टैक्स डिसअलाउ कब होता है। अब आपके पास फॉर्मेट बना होगा, अब आप इस फॉर्मेट में वैल्यूज लिखें और आपके पास क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। नाम क्या है इसका? मिस्टर फौलाद। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है हमारे पास मिस्टर फौलाद। टैक्स पीरियड क्या है हमारे पास? फरवरी 2023 है। हम यहाँ पे लिख लेंगे फरवरी 2023। अब ऊपर हम इसे लिख लेते हैं रुपीस इन 1000 ताकि कोई मुझे प्रॉब्लम वगैरह ना हो। उसने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से 70250 की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इतने की गुड्स आ जाएंगी, 70250 की। फिर इसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो परचेजेस की हैं, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वो कितने की थी? 15750। ये आ गया 15750, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 70250 का 18% लें, क्या जवाब आएगा? 12645। उसके अलावा आप देखें इसने यहाँ पे मशीन भी ली थी कितने की? 12 मिलियन की। ठीक है, तो मशीन भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिक्स एसेट आ गया, 12 मिलियन की मशीन है, 12000 की, 18% लगाएं कितना बनता है? 2160। ये आ गया, तो 12645 प्लस 2160 टोटल इनपुट टैक्स कितना बन गया इसका? 1480। ये आपके पास आ गया टोटल इनपुट टैक्स। ठीक है, एक सेकंड, इसमें एडजस्टमेंट भी थी। हाँ जी, इसमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है, आपने परचेजेस रिटर्न भी की हैं। पॉइंट नंबर टू में आपने परचेजेस जो हैं वो रिटर्न की हैं और एक पेमेंट की भी एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा इसे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो इसने परचेज रिटर्न की है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करवाएंगे। अब परचेज रिटर्न जो है वो भी विद इन टाइम होनी चाहिए, इसने टाइम मेंशन नहीं किया, इसने क्या प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू किए गए, इसका मतलब ठीक ही है, हम इसे क्या करेंगे? ट्रीट कर लेंगे। तो 4500 की हमारी परचेज रिटर्न है, बताएं कितना आता है?
810 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इसने लिया था 8,20,000 की परचेजेस की थी जुलाई में और इसने अभी तक पे नहीं किया। अगर मंथ एंड है तो हम काउंट कर लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 31 जनवरी तक, यकम अगस्त से लेके क्या 180 डेज पूरे होते हैं बताएं काउंट करके? आप काउंट कर लें, यहाँ पे अगस्त के आ जाएंगे 31 दिन, सितंबर के आ जाएंगे 30, अक्टूबर के आ जाएंगे 31, नवंबर के आ जाएंगे 30, दिसंबर के आ जाएंगे 31 और जनवरी के आ जाएंगे 31। कितने बनते हैं? 184। ये पेमेंट कब करवा रहा है? ये पेमेंट तो हो रही है अब जाके, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, टाइम बार्ड हो गया। अब टाइम बार्ड हो गया है तो हम ये इनपुट टैक्स हमें क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा। कितने का था? 820 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी, पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज। कितने का था? 820 की। तो ये हमें क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा। ज़रा बताएं कितना बनता है? 148 है, राउंड ऑफ कर लें 148, ये डिस अलाउ हो जाएगा। अब ज़रा इसको बताएं लेस करके, 12,645 लेस 810 लेस 148 कितना था नेट इनपुट टैक्स? 1,168। ये हमारे पास एडजस्टेड इनपुट टैक्स आ गया। फिर हमारे पास फिक्स एसेट्स थे, वो हमने कितने के लिए थे? 12 मिलियन के। तो हमारे पास फिक्स एसेट आ गए 12 मिलियन के। इसके ऊपर लिया कितना आया था? 2,160। और टोटल इनपुट टैक्स हमारा कितना बनता है? 1,3,847। इनपुट टैक्स आ गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम चलते हैं आउटपुट टैक्स में। आपने लोकल सेल्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को 72,870 की, तो अब यहाँ पर ले जाएंगे 72,870 की आपने की है। उसके अलावा फिर आपने अनरजिस्टर्ड की है 9,850 की, ये भी हम ले लेंगे 9,850 की। तो बताएं 72,870 मल्टीप्लाई बाई 18% क्या जवाब आएगा? 1,3,117। फिर 9,850 मल्टीप्लाई बाई 18% कितना आएगा? 1,773। इम्प्रेसिव आ रहा है। चले सम करके बताएं कितना बनता है? 1,4,8,9,8,9,8,9। इसका सम करें कितना बनता है? 8,8,2,7,2,0 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या थी एक्सपोर्ट्स, वो हैं 12,700 की। इसके ऊपर टैक्स मैं निकाल लूँगा, कितना आएगा? 0 आएगा, ये मैं कर सकता हूँ। अब आ जाएगा हमारे पास फेस, फेस पे हमने लिखना है आउटपुट टैक्स है, वो है 14,890 आ गया, 14,890। अब यहाँ पे हमने क्या करवानी होती है? सेल्स रिटर्न लेस करवानी है। अब मेरे पास सेल्स रिटर्न जो क्वेश्चन में हुई है वो कितनी थी? 720,000 की। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितने की थी? 7,200 की। 7,200 का 18% लें क्या आता है? 1,2, ये लेस करवा दें। नेट आउटपुट टैक्स कितना आता है? 1,3,595। अब हमने इनपुट टैक्स लेस करना है। मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है, डेट वॉज 910,500। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम, 910,500 है, इसको आप 911 कर लेते हैं, ठीक है। ये वो 911 नहीं है, बुश आ जाएगा। फिर लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 13,594 मल्टीप्लाई बाय 90% लिया, कितना आएगा? 1,1,1,1,2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 ,1,
वाली अपॉर्चुनमेंट कर लेते हैं। टेबल हमने बनाया हुआ था, हमारे पास नेट टैक्सेबल सप्लाइज कितनी थी 82720 की, हम यहाँ पे ले लेंगे 82720। हमारे पास जो सप्लाइज थी जीरो रेटेड वो कितनी थी,
12,700 की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12,700 की। सम करें कितना आता है, 9,5,420। इनपुट टैक्स जिसे हमने पोर्शन करना है वो था 11,687, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 11,687। और मशीन का भी हमने पोर्शन करना था, वो सेपरेट गिवन था, वो है 2,160, वो कितना है 2,160। तो अब हम करते हैं 11,687 को डिवाइड करेंगे इससे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या जवाब आएगा, 101 और रिमेनिंग कितना आएगा, 1। मशीन का करें 2,160 को करें, क्या आता है प्रश्न, हो गए 1,873। और बैलेंसिंग निकालने कितना आता है, 2,87। अब ये वाला जो है ये हमें रिफंड मिलना है, और ये हमने क्या करना है, क्लेम करने। तो आया जी 10,132 जमा करें कितना बनता है, 911 प्लस 10,132 कितना बनेगा, कितना 11,042। एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90%, हम क्या लेंगे, लोअर लेंगे, तो लोअर कितना बनता है, तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 11,043, क्या जवाब आएगा, 2,551। अब इसमें से हमने लेस करवाना है मशीन का इनपुट टैक्स, वो है 1,873, तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 1,873, कितना आएगा 678। फिर हम फटर टैक्स ऐड करेंगे सेल्स टू अनरजिस्टर्ड, वो 9,850 की, तो 9,850 मल्टीप्लाई बाय 4% कितना करें, क्या आएगा 394। ये हम बीच में ऐड कर देंगे, पेबल कितना आ जाएगा 10, और रिफंड भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों को जमा कर लें, 1,555 प्लस 287, ये आपका रिफंड आ जाएगा, कितना बनता है 1। ये मेरे पास क्या होगा, रिफंड आ रहा होगा। तो इस तरह से आप अगर इस फॉर्मेट्स में वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे, आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होता जाएगा। तो जितनी हमने ये एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हैं, बिकॉज में सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो किसकी हैं, इनपुट टैक्स की है, तो ये मैक्सिमम इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हमारे पास यही होती हैं। इसमें से चंद एक पेपर में आती हैं, सारी तो नहीं आती है, बस 5 से 6 जो हैं पेपर में आपको हर न्यूमेरिकल में गिवन होंगी। मतलब अगर आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से, ये गिवन होगी, एग्जाम गिवन करेगा, पैकेजिंग मटेरियल आएगा, इम्पोर्ट आएगी, उसके अलावा बिल्स वगैरह आ जाएंगे, उसके अलावा अगर आपने सस्पेंडेड सेलर से की हैं वो आ जाएगी, ये डिसअलाउ होती हैं, ब्लैकलिस्टेड से परचेज की हैं ये भी आ जाएगी, ये डिसअलाउ होती हैं। आपको कह देगा आपने गुड्स बाय किए हैं जीरो रेटेड, आपने गुड्स बाय की हैं अनरजिस्टर्ड से, वो भी गिवन होगा। अगर आपने कोई स्टेशनरी वगैरह परचेज की है, इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स जो है वो हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर टैक्स कोई आपने पे कर दिया बट सप्लायर ने डिपॉजिट नहीं करवाया, वो भी हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। डिस्क्रिपेंसी जो है अगर वो भी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने क्रॉकरी यूटेंसिल्स फर्नीचर लिए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमें डिसअलाउ हैं। पेमेंट अगर आपने कैश में की है ये भी डिसअलाउ हो जाएगी। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है और एक्सेस टू द लिमिट, आप उसे कितने सेल कर सकते हैं एक मंथ में 10 मिलियन की, अगर 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल्स कर दी हैं आपने, तो वो भी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो हमें पेपर में गिवन होती है, इसमें से 3 से 4 आएंगी, बाकी सारा कुछ यही है। आप इन सबको जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन इनपुट टैक्स। इसके बाद आप ऐड करेंगे फिक्स एसेट्स का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इनपुट टैक्स आ रहा होगा। हम फिक्स एसेट इसलिए अलग करते हैं बिकॉज इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता, और इसके ऊपर जो है वो 90% का रूल जो है वो अप्लाई हो रहा होता है।
समझ लगी? तो ये सारे इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट जो है वो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इनपुट टैक्स की तो जितना पॉसिबल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इनपुट टैक्स में आएंगी। आउटपुट टैक्स की बात करें तो आउटपुट टैक्स में सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड आ जाएगा। जब भी अनरजिस्टर्ड होगा इसको आपने क्या करना है, हमेशा हाईलाइट करना है। क्यों? बिकॉज उस पर क्या होगा, फर्दर टैक्स चार्ज हो रहा होगा। अगर ईपीजी में सेल्स की हैं 18% आएगा, रॉन्ग डिस्काउंट गिवन किया है वो भी क्या हो जाएगा, एड बैक। उसके अलावा अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स गिवन की हैं आपको वो भी क्या होगा, आपका 18% पे आएगा। कुछ स्पेसिफाइड इम्पोर्ट्स हैं अगर आपने वो की हैं और वो बेच रहे हैं उसके ऊपर कितना आएगा, 25%, ये पेपर में हमें बता देगा। ये फ्री रिप्लेसमेंट के ऊपर टैक्स नहीं होता, एडवांस के ऊपर टैक्स वगैरह हमारा नहीं होता। क्योंकि अभी यहाँ पे बात हुई है थर्ड स्केड्यूल की, रिटेल आइटम्स की, ये डिस्कस करते हैं ये क्या होती हैं और क्या नहीं होती, क्या कुछ इसमें आएगा वो हम क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। रिटेल आइटम्स क्या होती हैं इनको देखते हैं। देखें आपके सामने ना ये एक रिटेल आइटम गिवन है, इसका टैक्स अगर देखें तो कैसे कैलकुलेट हुआ है कि इसकी ये थी रिटेल प्राइस 169.49, इस पे ये सेल्स टैक्स ऐड हुआ 30.51 और पेमेंट टोटल कितनी हुई है 200 रुपया। अब ये हमारे पास थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं। अब थर्ड स्केड्यूल आइटम्स रिटेल आइटम होती क्या है, ये वो आइटम्स हैं जो कस्टमर्स को बेची जाएंगी, किसके ऊपर, रिटेल प्राइस के ऊपर बेची जाएंगी। अब रिटेल प्राइस क्या होती है, देखें रिटेल प्राइस का मतलब क्या होता है, ये वो कीमत है जिसको कौन फिक्स करेगा, मैन्युफैक्चरर फिक्स करेगा या इंपोर्टर फिक्स करेगा। इसमें तमाम ड्यूटीज, तमाम चार्जेस, तमाम टैक्सेस सब कुछ शामिल होगा, ठीक है। और ये वो प्राइस है जिसके ऊपर क्या किया जाएगा, कस्टमर को गुड सेल की जा रही होंगी, और ये वो कीमत है जो हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होंगी, इम्पोज होंगी, लेबल्ड होंगी, प्रिंटेड होंगी। अब जैसे ये है, यहाँ पे ये वो कीमत है जिसे मैं क्या कहूँगा, रिटेल प्राइस कहूँगा, वो कितनी है 169.49, ये मेरी क्या है, रिटेल प्राइस है। ये किसने तय की है, इस मैन्युफैक्चरर ने जिसने क्या किया है, ये टिश्यू बनाए हैं उन्होंने क्या की है, ये कीमत तय कर ली है। इस कीमत में तमाम टैक्सेस, तमाम फेडरल ड्यूटीज, तमाम प्रोफेशनल ड्यूटीज सब कुछ शामिल है, और वो चाहते हैं कि वो कस्टमर को इस प्रोडक्ट के ऊपर इस कीमत पे क्या करें, अपना सामान जो है सेल कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी, रिटेल प्राइस कहलाएगी। अब ये रिटेल प्राइस है। अब ये हमारे पास गुड्स हैं जिसे हम FMCGs में लेके आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, डेली बेस पे कंजम्पशन होती है। हमें पता है हमारे पूरे मुल्क में हर बंदा रजिस्टर्ड है नहीं, ये गली मोहल्ले के दुकानदार रजिस्टर्ड होंगे, अब रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड नहीं, तो टैक्स कैसे लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कुछ ऐसे आइटम्स हैं इनका टैक्स जो है हम किससे कलेक्ट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरर से, मतलब मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उससे टैक्स ले लेते हैं, कल को बेचेगा अपना टैक्स खुद ही रिकवर कर ले कस्टमर से। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर को भाईजान कितने की गुड्स बेचने बना के आपने 169 की, इसके ऊपर 18% लगाएं, टैक्स कितना बनता है, तो इसका 18% लेंगे, क्या जवाब आएगा 30.51, कहेगा कीमत प्रिंट करो, लिखो कि ये आपकी रिटेल प्राइस है, इसके ऊपर टैक्स ये बनता है और टोटल कितनी बनेगी 200, ये करके सामान जो है मार्केट में फेंक दो आप। ये जो 30 रुपये है ना, ये गवर्नमेंट किससे लेगी, मैन्युफैक्चरर से, जब उसने बनाया उससे 30 रुपये उठा के ले गई, अब उसने ये मार्केट में बेच दिया, जब मार्केट में जाएगा कस्टमर बाय करेगा, कस्टमर 200 रुपया देगा दुकानदार को, दुकानदार किसको देगा आगे जाके, मैन्युफैक्चरर को देगा, तो वो खुद क्या कर रहा होगा, उसमें से ये टैक्स अपना रिकवर करवा रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, रिटेल आइटम्स होती हैं। अब चूंकि ये रिटेल आइटम्स है, इसकी कीमत जो है प्रिंटेड है, डिसाइडेड है, इसलिए इसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं है। देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर ये कीमत 169 लिखी हुई है, आप कहते हैं जी मैंने 169 की नहीं बेचनी, मैं बेचूंगा 150 की, अगर आप 150 की बेचते हैं, 115 के हिसाब से अगर आप 18% लें, क्या टैक्स आते हैं 27, अब यहां पे टैक्स जा रहा है 30, हम डिस्काउंट पढ़ के हैं, अगर डिस्काउंट में पैसे टैक्स कितना जाना चाहिए 27, तो ये इसके ऊपर अलाउ नहीं होता। इसलिए जो रिटेल प्राइस तय कर दी जाए उस रिटेल प्राइस से कम कीमत के ऊपर आप नहीं बेच सकते। आपका सवाल होगा जी हम जाते हैं अगर गली मोहल्ले से लें तो कीमत कुछ और होती है, जाके मेट्रो से लें तो कीमत कुछ और होती है, द थिंग इज दैट वो अपने प्रॉफिट मार्जिन पर खेल रहे होते हैं, इन्हें कमीशन मिल रही होती है, वो अपनी कमीशन कम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स हमेशा इसी कीमत में मिलता है। आप दुकानदार के पास गए हैं, दुकानदार बेशक आपको 190 का बेच दे,
लेकिन हुकूमत को कितने पैसे पहुंचे हैं, 30 रुपए ही पहुंचे हैं। वो अपने प्रॉफिट से क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट जो है वो करवा रहा होता है। ठीक है, पेपर में इसकी जो एडजस्टमेंट मैक्सिमम आती है वो डिस्काउंट की होती है, कि आपने रिटेल आइटम्स जो हैं वो डिस्काउंट पे बेच दी हैं। डिस्काउंट हमें अलाउ नहीं है, ये हमेशा किस पे बिकेंगी, रिटेल प्राइस के ऊपर ही बिक रही होंगी। और ये रिटेल प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर या अगर इंपोर्टर तो इंपोर्टर। और इसके लिए लाजमी है कि रिटेल प्राइस जो है ये प्रिंटेड होनी चाहिए। अगर ये कीमत प्रिंटेड है तो ठीक है, अगर ऊपर किसी ने दुकानदार ने मार्केट से लाइन लगाई हुई है तो वो गलत कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर दें। अगर स्टिकर लगा हुआ है तो वो भी नहीं, क्यों, बिकॉज क्लियरली है ये क्या होनी चाहिए, ये प्रिंटेड होनी चाहिए, इसके ऊपर अमाउंट और टैक्स कितना बनता है वो सारा क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। और रिटेलर कौन होता है, ये वो बंदा है जो जनरल पब्लिक को कंजम्पशन के लिए गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये रिटेलर्स जो हैं आपके सामने नज़र भी आ रहे हैं, कुछ हमारे पास रिटेलर्स हैं जो टीयर वन में फॉल करते हैं जिसे हम स्पेसिफाइड कह रहे होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं नॉन स्पेसिफाइड अदर देन टीयर वन। जो हमारे टीयर वन रिटेलर्स हैं ना, इनके लिए लाजमी है ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, और इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। आपको हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, अब आप स्क्रीन में खुद देखेंगे कि ये वाला जो रिटेलर है इसके लिए लाजमी है कि क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, ये भी रजिस्टर्ड हो सकता है, ये भी रजिस्टर्ड हो सकता है, मैंगो भी जो है वो क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन क्या हम इस बंदे को कर सकते हैं रजिस्टर्ड, करियाने वाले को, इसको हम कर सकते हैं रजिस्टर्ड, नहीं। तो लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने डिवीजन कर ली है कि हमारे पास जो रिटेलर्स हैं वो कितने तरह के होंगे, दो तरह के, एक टीयर वन है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड रिटेलर कह रहे होते हैं, और दूसरे कौन से हैं हमारे पास, नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स कह रहे होते हैं। अब ये जो है ये आपका रीड ओनली है, इसको आपने याद नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि टीयर वन रिटेलर कौन से होते हैं और किन के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। रिमेंबर, कोई भी ऐसा रिटेलर जिसे हम स्पेसिफाइड रिटेलर कहते हैं वो किसी भी काम कर रहा है एज अ चेन ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर, उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। मतलब मेट्रो हो गया, कारफोर हो गया, अल्फता हो गया, यूरो स्टोर हो गया, केक्स एंड बेक्स हो गया, पूरी चेन चल रही है, इनके लिए क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी। उसके अलावा कोई भी ऐसा रिटेलर जो किसी भी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, प्लाजा में है, सेंटर में है, उसके लिए भी रजिस्टर्ड होना क्या है, लाजमी है, एक्सेप्ट कियोस्क्स। अगर आप अक्सर एम्पोरियम गए हैं या आप कह सकते हैं सेंटोरस वगैरह जाएं, तो कॉरिडोर्स में काउंटर का लोग बैठे होते हैं, जो काउंटर्स पे बैठे हुए हैं उनके लिए लाजमी नहीं है रजिस्टर्ड होना, बट जो दुकानें बनी हुई हैं उनके लिए क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कोई भी ऐसा रिटेलर जिसका पिछले 12 महीने का बिल 1.2 मिलियन से अबव है वो भी क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। कोई भी ऐसा बंदा जो होलसेलर कम रिटेलर है, मतलब बल्क पे खरीद रहा है और बेच रहा है, उसके लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कोई भी ऐसा दुकानदार जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, थ्रू कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। उसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जिसका विद होल्डिंग टैक्स जो है पिछले 12 महीनों का वो क्या है, जो थ्रेश होल्ड बताया उससे ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। या कोई भी बंदा जिसको FBR कह दे कि आपने रजिस्टर्ड होना है, तो वो क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जो बंदे रजिस्टर्ड होंगे वो प्रॉपर अपना सेल्स टैक्स का सिस्टम रन करेंगे, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मेंटेन करेंगे, रिटर्न जमा करवाएंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास वो रिटेलर जो नॉन स्पेसिफाइड हैं, जिनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। मतलब गली मोहल्ले के लोग ये कहते हैं जी हम तो बड़े मौजों में हैं, हम टैक्स पे नहीं करते, ये कारफोर वाले बेवकूफ़ हैं, मेट्रो वाले बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इनसे भी टैक्स ले रही है, इनकी हड्डियों टैक्स निकालने का पता नहीं है। देखिए वो तो रजिस्टर्ड हो गए हैं, वो अपना आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करेंगे, जितना इनपुट टैक्स पे किया एडजस्ट करवा सकते हैं। जो बंदे रजिस्टर्ड नहीं हैं इनके साथ क्या हो रहा होता है, तो अगर इनका बिजली का बिल 20,000 तक है ना, तो इनके बिजली के बिल में 5% सेल्स टैक्स जो है शामिल कर दिया जाएगा। और ये सेल्स टैक्स जो है नॉन एडजस्टेबल है, ये इनको पे करना पड़ेगा, इसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है इनको नहीं मिल रही होगी। और अगर इनका बिजली का बिल 20,000 से अबव है तो फिर कितना इनको पे करना पड़ेगा, 7.5% पे करना पड़ेगा। अब देखें एक बंदा जो रजिस्टर्ड है ना, वो जस्ट 18% टैक्स पे करता है, आउटपुट आता है, इनपुट एडजस्ट करवाता है, निकल जाता है। इनके साथ क्या हो रही है, अगर बिजली का बिल 20,000 तक है, बिजली के बिल में 18% GST शामिल होगा। क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, फर्दर टैक्स चार्ज होगा 4%। और चूंकि रिटेलर भी हैं और बिजली का बिल भी कितना है, 20,000 से कम है, तो कितना टैक्स शामिल होगा, 5%। तो कितना पे कर रहे हैं उनका टैक्स, ये
तो जहां पे वो 18 पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे होते हैं? 27, और ये एडजस्टेबल भी नहीं होता। तो अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो इनका टैक्स भी क्या होता है, अच्छा खासा बढ़ रहा होता है। तो ये हमारे पास आते हैं नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर। अब जो हमारे पास रिटेल्स में आइटम आ रही हैं, ये लिस्ट हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर में हमें बताता है ये थर्ड स्केड्यूल है कि नहीं है। इसमें से कल हमने डिस्कस किया था इंपोर्टेड आइटम्स, वो किसके ऊपर होती है, वो हमारे 20% के ऊपर, वो 25% के ऊपर होती है, पेपर में मेंशन होगा। अभी चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, सिगरेट्स, जूसेस, आइसक्रीम, सिरप, और ये हो गए मिनरल वाटर हो गया, डिटर्जेंट, शैम्पू, टी पाउडर, मिल्क, सीमेंट हो गया, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हो गई, फॉर्म प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स वगैरह हो गए, ये सारे क्या है, हमारे रिटेल में फॉल कर रहे होते हैं। पेपर में हमेशा वो हमें बताएगा कि ये रिटेल आइटम है और ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। अगर लोकल रिटेल आइटम है तो इसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा, 18%। अगर इम्पोर्टेड है तो कितना चार्ज होगा, 25% जो है वो चार्ज हो रहा होगा। तो ये लिस्ट जो है हमें पेपर में गिवन होगी। अब ये स्प्रिंग 2022 का सवाल आया हुआ है 6 नंबर का। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन केस ऑफ अ रिटेलर। 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, बताएं कि रिटेलर अपना टैक्स किस तरह पे करेगा। सिंपल, जो स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं वो क्या होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे। अब चूंकि वो रजिस्टर्ड होंगे तो नॉर्मल अपना क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करेंगे, इनपुट टैक्स जो है लेस करवाएंगे, रिटर्न जमा करवाएंगे। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, नॉन स्पेसिफाइड, उस पर हम लिखेंगे अगर उनका बिजली का बिल 20,000 तक है तो फिर क्या होगा, 5%। अगर 20,000 से अबव है तो फिर कितना होगा, 7.5% जो है इनको पे करना पड़ेगा। तो ये सिंपल आपने इसमें पॉइंट जो है वो लिखना है, ठीक है। ब्रेक करनी है, क्या करनी है ब्रेक यार, महीने बाद आप लोगों का पेपर है। चलिए फिर हम 15 मिनट्स के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं एक दो, उसके बाद हमारा सेल्स टैक्स जो है वाइंड अप होने। ठीक है, हम नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने हम 4:20 पे रिज्यूम कर रहे हैं।
चलें जी स्टार्ट करें। चलें जी, अब मैं एक दो न्यूमेरिकल्स जो है एक दो न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू मिस्टर क्लेवर अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। कहते हैं जी मिस्टर क्लेवर कौन है? एक मैन्युफैक्चरर है। ओके, इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। सप्लाइज की बात हुई है, लोकल सप्लाइज हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन 18% टैक्स चार्ज होगा। लोकल सप्लाइज हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, इसको हम स्टार करेंगे, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? 40% टैक्स चार्ज होगा। फिर लोकल सप्लाइज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स हैं, वो भी आ जाएगी हमारे पास। और एक्सपोर्ट हैं, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं? ये दोनों हमारी जीरो रेटेड गुड्स में कंसीडर हो रही हैं। फिर लोकल परचेजेस हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, इसके ऊपर जो टैक्स पे किया होगा 18% के हिसाब से हम वो क्लेम कर लेंगे। अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है, इसकी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। कितने सप्लायर्स वर्थ रुपीज 1.3 मिलियन वर रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वर रेज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात की जा रही है सेल्स रिटर्न की। हमें पता लग गया कि सेल्स रिटर्न हमारी कहाँ पे ट्रीट हो रही होती हैं। फिर है लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 60,000 विच वॉज इन द नेम ऑफ मिस्टर क्लेवर अंकल। हम ये भी पॉइंट पढ़ के आए हैं कि इनवॉइस के ऊपर आपका नाम जो है वो लिखा होना चाहिए, अगर किसी और का नाम लिखा है तो हम उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसने परचेज की है, इसमें से ये 60,000 जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। फिर एक न्यू मशीन ली है 3 मिलियन की, इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड पुट इन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग द सेम मंथ, और उसी मंथ हमने क्या किया, उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इस पर भी हमारा इनपुट टैक्स जो है क्लेम हो जाएगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट प्रीवियस ईयर का प्रीवियस मंथ का 410 है, 18% हमारा रेट है। तो ये सवाल हो जाएगा आप लोगों से? मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है जो हम देख रहे हों। आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मेट गिवन होगा, आपने इस फॉर्मेट में जाके वैल्यूज़ को प्लेस करना है, बाकी सारे के सारे आपके एडजस्टमेंट जो हैं बीच में आ जाएंगे। तो ये आप फॉर्मेट प्लेस करेंगे, आपका हो जाएगा। एक और सवाल मैं डिस्कस आउट कर देता हूँ, देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट्स कैसी हैं और कैसी नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द लाइक कह सकते हैं कि अच्छा सवाल है तेरा मार्क्स का, इसको देखते हैं। कहते हैं जी कंप्यूटर सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू फैजान अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। अगस्त 2023 के लिए हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कहते हैं फैजान इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर है, इसको आपने हमेशा क्या करना है, हाईलाइट करना है। एंड सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। सप्लाइज उसने की हैं, उसकी ग्रॉस अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउ है और नेट अमाउंट भी उसने हमें गिवन की है।
उसने नूरी लिमिटेड को ग्रॉस सेल्स किए 16 मिलियन की, डिस्काउंट उसने 8 लाख का दिया है। सूरी लिमिटेड को उसने सेल्स की हैं 4 मिलियन के, डिस्काउंट कितना दिया है 4 लाख का। लोकल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे उसने डिस्काउंट कितना दिया है 2,10,000 का। एक्सपोर्ट्स की हैं तो ये किस में जाएंगी, हमारी जीरो रेटेड पे आ रही होगी। कहते हैं फिजान नॉर्मली अलाउज 5% डिस्काउंट टू ऑल इट्स कस्टमर, कितना डिस्काउंट देता है वो 5%। However, as a special case, a discount of 10% was allowed to Suri Limited. All the discounts were shown on the invoice. ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितना डिस्काउंट है नॉर्मल 5% है। अब उसने जो इसको सेल्स की हैं, क्या इसने 5% डिस्काउंट दिया नूरी लिमिटेड को? द आंसर इज येस, इसको डिस्काउंट उसने कितना दिया है 5% ही दिया है। ऐसे ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मतलब, ये तो डिस्काउंट ठीक है। सूरी लिमिटेड को इसने कितना डिस्काउंट दे दिया है 10% का, 2 लाख का उसने डिस्काउंट ज़्यादा दिया है, तो 2 लाख का डिस्काउंट क्या होना चाहिए हमारा, एडबैक होना चाहिए, वो हम एडबैक कर देंगे। फिर कहता है सप्लायर्स वर्थ ₹61,500 नेट ऑफ डिस्काउंट वर रिटर्न बाय नूरी लिमिटेड, ये किसकी बात हो रही है, सेल्स रिटर्न की। हम सिंपल 617,500 लेंगे, इसका 18% है, ये हमारे पास टैक्स में आ जाएगा, वो हम क्या करेंगे लेस करवा देंगे। फिर कहते हैं फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द मंथ, लोकल मटेरियल लिया है उसने रजिस्टर्ड पर्सन से, इसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ हो जाएगा। लोकल मटेरियल लिया है अनरजिस्टर्ड से, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। कहते हैं रिकॉर्ड इंडिकेट दैट अ पंप एंड अ मोटर वर गिवन टू फिजान फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, द लिस्ट प्राइस ऑफ पंप एंड मोटर वॉज ₹33,000। अब चूंकि ये मैन्युफैक्चरर है, अगर वो इस तरह के बिजनेस या नॉन बिजनेस है उसके लिए गुड्स देगा तो ये सप्लाई का पार्ट बनेगी, तो ये 33,000 जो है किसका पार्ट बनेगी, सप्लाई का पार्ट बनेगी, इसके ऊपर हम आउटपुट टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद है फिजान इज रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिफेक्ट्स इन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो उसको रिफंड आएगा उसमें से हम ये पेनल्टी जो है वो क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड है वो कितना है 850280 का है, रेट कितना है 18% है, और ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इनमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। कर लेंगे सवाल ये वाला भी, इसमें कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं जो मुश्किल लग रही है आपको, आपने सिंपल जाना है और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लेस करना है, और आपके पास सारा सवाल जो है वो आ जाएगा। इस टेकन एग्जांपल अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहें, ज़रा निकालें हैं कैलकुलेटर, इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको रुपीज़ इन थाउजेंड ले जाते हैं ताकि डाटा हमारा ईजी हो जाए। जो हमने गुड्स परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से वो कितने की थी, 27,000 की थी, और जो आपने अनरजिस्टर्ड से ली हैं वो कितनी है हमारे पास 3,000 की हैं, और उसके अलावा परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं थी, तो हम ले लें 27,000 का 18% कितना बनता है 4,860, और 3,000 का 18% 540 आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज आपने किससे लिया, ये अनरजिस्टर्ड से लिए, सॉरी ये हम लिख रहे हैं गलत जगह पे, ये होना चाहिए था सेल्स टैक्स क्रेडिट्स में, तो सेल्स टैक्स क्रेडिट मेरे ख्याल से इधर मिस हो गया, यस मिस हो गया। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, इनपुट टैक्स हमारा कितना, इनपुट टैक्स हमारा आया था 27, इसका 18% कितना आया था 4,860, ये मेरा इनपुट टैक्स है, मशीन वगैरह कोई नहीं है, बाकी सारी एडजस्टमेंट आउटपुट टैक्स की है वो कर लेते हैं। इसने सेल्स की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, उसको देखते हैं, तो जो नूरी लिमिटेड की सेल्स तो ठीक है, वो सही डिस्काउंट है, तो वो कितने की आ जाएगी 15,200 की आ जाएगी। अब सूरी लिमिटेड को हमने 2 लाख का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो हम क्या करेंगे, एडबैक करेंगे, तो वो कितनी सेल्स बन जाएगी मेरी 3.8, मतलब 3800 की जो है बन जाएगी। डिस्काउंट इसने 4 लाख लेस किया है, इसको डिस्काउंट कितना अलाउ होना चाहिए था जस्ट 2 लाख, तो 2 लाख का डिस्काउंट हम एडबैक करेंगे, सेल्स कितनी आ जाएगी इसकी 3800 आ जाएगी, तो सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी बनती है इसकी टोटल 15,200 प्लस 3800 19,000, ये इसकी क्या बनेगी, सेल बन रही होगी। तो आप यहाँ पर लिख ले 19,000 आपके पास सेल्स आ गई हैं,
उसके बाद अनरजिस्टर्ड को सेल किए हैं हमने, डैट इज 4,42,000 की। इसको डिस्काउंट कितना दिया हमने, 2,10,000 का। 4.2 मिलियन का ज़रा 5% लें, क्या 2,10,000 ही आते हैं? yes, इसका मतलब ठीक ही किए हैं आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3,990, ये भी आ जाएगा। उसके अलावा सप्लाई सेल्स रिटर्न है, ये बाद में कर लेंगे। पंप इसने बेचा है वो कितने का है, 33,000 का है। तो 33 हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सेल ऑफ पंप 33,000 की है तो 33 हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है पेनल्टी वगैरह की है तो आप बताएं कितना बनेगा। 19,000 × 18% 3,420 फिर 3,390 × 18% और 33 × 18% 6। इसको 6 से कर लेते हैं तो इसका सम अप करें कितना बनता है, टैक्स का कितना बनता है और वैल्यू का कितना बनता है, 4,144 ऐसा कितना बनता, 19,23,023 ये भी आ गया। उसके बाद हमारे पास हैं एक्सपोर्ट्स, वो कितने की हैं, 6 मिलियन की हैं। तो हमने पास यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आ गए, टैक्स आ गया, डैट्स इट। और तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो मेरे पास आउटपुट टैक्स आ गया यहाँ पे 4,144। इसमें से सेल्स रिटर्न जो है वो मैंने क्या करनी है, लेस करवानी है, वो है 6,7,8 की। तो 6,7,8 × 18% करें, क्या जवाब आता है, 1। ये लेस करवाएं, नेट आउटपुट टैक्स कितना आता है, 4,022। अब इनपुट टैक्स आ जाएगा हमारे पास, इनपुट टैक्स है मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड 850। तो हम यहाँ पर ले लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड है 850। 6,18 का 18% कितना आता है, उधर लिखवाते हो, अब बताओ कितना आता है, 4,033। अच्छा अब 90% ले लें आउटपुट टैक्स का, 4,00 समझ गए। उसके बाद और कुछ नहीं था, डिस्काउंट भी हो गया और पेनल्टी है, आगे अपॉर्शनमेंट रह गई है। अपॉर्शनमेंट हम कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास टैक्सेबल सप्लाइज कितनी आई है, 3,23,023। तो ये आ गई 2,30,023। ये थी मेरे पास 6,000, इसका सम बनेगा मेरे पास 2,90,023। उसके बाद हमारा इनपुट टैक्स कितना आएगा, डैट वॉज 4,860। हम यहाँ पर ले लेंगे इनपुट टैक्स, जिसको पोर्शन करना है वो है 4,860। इसको इस पर डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है, 3,855। और रिमेनिंग कितना बनता है, 1,005। यही आ गया हमारा, इसको क्लेम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया 3,855। जमा करें कितना बनता है, 4,705। लोअर ऑफ लेंगे, लोअर ऑफ कितना आएगा, 3,6। रिमेनिंग कितना आ गया हमारा, 4,033। फर्दर टैक्स ऐड करेंगे 4% हमारे पास, हमारे पास वो सेल्स थी 3,990। इसका हम लेंगे 4% कितना आएगा, ये बीच में ऐड हो जाएगा तो सेल्स पे कितना आएगा पेएबल,
563 जो है हम पे करेंगे। अब इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड भी आ जाएगा, मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स था 4705, मैंने कितना क्लेम किया 3630, कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर अगर हम रिफंड की बात करें 1005 जो है मेरा क्या था, रिफंड था, इसमें से मैंने पेनल्टी जो पे करनी है वो है 10 की हम पेनल्टी इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग जो नेट रिफंडेबल कितना रह जाएगा मेरा 995 का रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं हमारे तीन न्यूमेरिकल्स फर्दर होते हैं सॉल्व। अब कुछ मिसलेनियस एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट इस परस्पेक्टिव में है कि इसमें से कुछ ना कुछ थ्रेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ रहा होता है। जैसे एक डेफिनेशन है हमारे पास, वो है टैक्सेबल एक्टिविटी की। अब टैक्सेबल एक्टिविटी की जो एक्सेप्शंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, और इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, इसको रटा मारना पड़ेगा कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। अब टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप चाहे प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, जिसमें क्या कुछ शामिल होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिज़नेस की फॉर्म में, ट्रेड की फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में की जा रही है, वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप सर्विसेज वगैरह सप्लाई कर रहे हैं या बोथ सप्लाई कर रहे हैं, वो भी इसमें आ रही होगी। कोई भी आपका वन ऑफ एडवेंचर वगैरह, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट एंड ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस कर रहे होते हैं, वो भी क्या है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही शुमार हो रही होती है। इसका मतलब हर चीज़ तकरीबन हमारी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी ही है, लेकिन जो इसके एक्सेप्शन हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है वो इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर, कोई भी सर्विसेज जो बीइंग एन एम्प्लॉय आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके टैक्सेबल एक्टिविटी में ट्रीट नहीं हो रही होती। इसलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप एज अ हॉबी या एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा कोई AOP या कोई कंपनी अगर वो कोई एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे काम कर रही है, मतलब कलर डे कर लिया, ईवन पार्टी वगैरह अरेंज कर ली, सॉर्ट कर ली, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट हमारा नहीं बन रहा होता। तो ये तीन एक्सेप्शंस जो हैं इसकी इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये स्प्रिंग 14 में सवाल आया हुआ है कि अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरियड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द एक्टिविटीज दैट आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशंस में आपने लिखनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का पार्ट है और कौन कौन सी इसका पार्ट नहीं है, वो हमने क्या करनी है यहाँ पर लिखनी है। एक ही दफ़ा आया, उसके बारे सवाल पेपर में अभी तक नहीं आया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर क्या मतलब है, कोई भी ऐसा पर्सन हु इज़ इंगेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चाहे उसके पास अपना रॉ मटेरियल है या नहीं है, वो हमारे लिए क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होगा। और वो क्या कुछ कर रहा हो, वो किसी भी प्रोसेस के ज़रिए, किसी भी प्रोसेस के ज़रिए मिक्सिंग कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग या कोई भी गुड्स प्रिपेयर कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा असाइनी या कोई भी ट्रस्टी जिसको हमने बैंकरप्सी के दौरान अपॉइंट किया है और जो अंडर फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या कर रहा होगा, आपके एसेट्स वगैरह डिस्पोज ऑफ करेगा, उसे भी हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई पेटेंट्स, कोई प्रोप्राइटरी राइट्स या कोई भी राइट्स टू गुड्स मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो खुद इस्तेमाल कर रहा है चाहे उसने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। और एक ऐसा बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कंसीडर करेंगे, और उससे जो भी उसका इनपुट टैक्स वगैरह होगा उसे क्या हो रहा होगा, रिफंड मिल रहा होगा। तो ये ज़रा है, इसको आपको थोड़ा सा क्रैम ही करना पड़ेगा, पेपर में आ सकती है। उसके बाद सुपर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और कंसेप्ट दोनों, पेपर में या तो वो डेफिनेशन पूछेगा या वो क्या पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट, बट पूछेगा लाजमी कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है और क्या नहीं होती। रिमेंबर, कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट होती है टैक्स में, इसका ट्रीटमेंट क्या है,
एग्जेम्प्ट है, इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इसको रजिस्टर्ड होने की नीड नहीं है। अब कॉटेज का मतलब होता है घर, और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी, जो होती है हमारी घरेलू सनत, उसे हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होगी जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली बात है ये क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और ये तमाम कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं क्या, तो इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, डोमेस्टिक मीटर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड नहीं है। तीसरा, उसकी लेबर फोर्स कभी भी 10 से ऊपर नहीं जाएगी। और चौथा, उसका टर्नओवर जो है, टर्नओवर कहते हैं ग्रॉस सेल्स जो एनुअल होती हैं, वो 8 मिलियन से अबव नहीं है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एग्जेम्प्ट होती है, उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो थ्रेटिकल क्वेश्चन आएगा इसमें से, या न्यूमेरिकल में एक आधी एडजस्टमेंट जो है वो दी जाएगी। रिमेंबर, अगर आपने कॉटेज इंडस्ट्री को सेल्स करेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री चूंकि रजिस्टर्ड नहीं होती, एग्जेम्प्ट होती है, इसके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा, बट इसे हम फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जो हम फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री पर अप्लाई नहीं हो रहा होता। जो सवाल आ चुका है, ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशन अंडर विच अ कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कब हमने इसको रजिस्टर्ड करना होता है। रिमेंबर, इस तरह का सवाल आए, आप डेफिनेशन लिखें, साथ लिख दें कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, तो क्या होना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्प्रिंग 19 का सवाल है कि ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशन अंडर विच Following are required to be registered under Sales Tax Act 1990 and rules made under, कि कॉटेज इंडस्ट्री को कब रजिस्टर्ड होना है। सिंपल सी बात है, यहाँ लिखे डेफिनेशन और साहब बता दें कि अगर उसमें से कोई भी कंडीशन लैप्स कर गई, इंडस्ट्रियल कनेक्शन आ गया, अगर वो एरिया डेफिनेशन ना रहा, लेबर 10 से ऊपर हो गया, टर्न ओवर 8 मिलियन से ऊपर हो गया, तो क्या होना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और रिटेलर कब रजिस्टर्ड होगा, जब वो स्पेसिफाइड में फॉल करेगा, उसे क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये भी ज़रा आपका क्राइम वाला एरिया है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है वो पर्सन जिसको अपॉइंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर दो पर्पस के लिए क्या कर सकता है, इसको अपॉइंट कर सकता है। क्या, यहाँ तो वो क्या करेगा, उसे कह देगा कि यार ये है, आप मेरे बिहाफ पे क्या करें, मेरे बिहाफ पे गुड्स को ख़रीदें, या मेरे बिहाफ पे मुझे जो है रॉ मटेरियल ला के दें, या इसको अपॉइंट किया रहेगा और कहा रहेगा कि आपने मेरे बिहाफ पे क्या करना है, गुड्स को बेचने। रिमेंबर, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, अगर ये परचेज कर रहा है, अगर ये परचेज कर रहा है, ख़रीद के बेच रहा है, तो इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डील कर रहा है कमीशन बेसिस के ऊपर, फिर इससे रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल आपने याद रखना कि अगर ये कमीशन बेस के ऊपर है तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, अगर बाय कर रहा है तो ये क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद टैक्स फ्रॉड, क्राइम वाला एरिया है कि टैक्स फ्रॉड किसे कहते हैं। रिमेंबर, नोइंगली डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली क्या करना, अपनी कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी ओमिशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो खिलाफ़े कानून है, मतलब जिससे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टेट कर रहे हैं फॉर 2 टैक्स पीरियड, या जो आपके पास क्या कहते हैं टैक्स क्रेडिट या रिफंड है उसको ओवरस्टेट कर रहे हैं, या आप फॉल्स इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स फ्रॉड कहते हैं। अगर फ्रॉड करेंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे आप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इम्पॉर्टेंट है, और ये कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि हमने किस टाइम के ऊपर अपने सप्लाई को रिकॉर्ड करना है, किस डे के ऊपर, किस वक्त पे इसको लेके चलना है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल रूल क्या है, कि जब गुड्स डिलीवर हो जाएं या मेड अवेलेबल, विच एवर इज़ अर्लियर, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। गुड्स डिलीवर और मेड अवेलेबल, विच एवर इज़ अर्लियर, हम क्या करेंगे, उस टाइम के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब एडवांसेस जो हैं वो हमारे इग्नोर होते हैं, सेल्स टैक्स में एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपका हायर परचेज का एग्रीमेंट है, किस्तों पे क्या होता है, एडवांस पहले पे करते हैं, फिर किस्तें देते हैं, गुड्स मिल जाती हैं, जब किस्तें पूरी होती हैं गुड्स आपको मिल जाती हैं, तो इस पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, सिंपल जो डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा उस पे हम क्या करेंगे, अपने टाइम ऑफ सप्लाई इसको रिकॉर्ड करके बैठे होंगे।
और सर्विसेज के बारे में क्या है, वो टाइम जिसके ऊपर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टाइम जिसके ऊपर सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो रही होगी। इसका मतलब कोई भी एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है आप उसे इग्नोर कर देंगे। जब गुड्स अवेलेबल हो जाए या डिलीवर जो भी पहले इवेंट है, हम क्या करेंगे, उसी डेट के ऊपर अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप पार्टली पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने गुड्स की सप्लाई के लिए पेमेंट रिसीव की है, जून के महीने में आधे गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स एग्जाम थी, अगस्त के महीने में सप्लाई की टैक्सेबल हो गई, तो जिस महीने पूरी गुड्स टैक्सेबल होंगी हम उसी मंथ में क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली है। अब इसमें से पूछे जाने के चांसेस कम है। इसकी जो रेलिवेंट चीज़ है वो यही है कि रूल क्या है, गुड्स अवेलेबल ऑल डिलीवर विच एवर इज अर्लियर, उस पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन दो दो नंबर के आ सकते हैं, हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स कौन पे करेगा। रिमेंबर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप केक्स एंड बेक गए हैं, आप केक लेके आए हैं, आप टैक्स पे करके आए हैं, आपने टैक्स दुकानदार को पे किया, आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। सवाल ये है गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है। रिमेंबर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। जो बंदा गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, जब वो गुड्स को इंपोर्ट करेगा एट दैट टाइम वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। और जो बंदा सप्लाई कर रहा है, जो सेल्स कर रहा है, वो क्या करेगा, वो गुड्स को सप्लाई कर रहा होगा, वो टैक्स पे कर रहा होगा। देखें दुकानदार है, उसने आपको सामान बेचा है, आपने टैक्स दुकानदार को पे किया है, तो वो दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा रहा है। आप मेट्रो गए हैं, सामान लेके आए हैं, आप टैक्स किसको पे करके आए हैं, मेट्रो को। मेट्रो को ना सप्लायर ऑफ गुड्स, वो आपसे टैक्स लेगा आउटपुट टैक्स, और क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवा रहा होगा। उसके बाद है व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, ये टैक्स कब पे करेंगे। रिमेंबर जब आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट क्या किया जाएगा, टैक्स जो है पे किया जा रहा होगा। और दूसरा अगर आप लोकल की बात करें, जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हम क्या करेंगे, टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। तो ये भी दो नंबर का सवाल है, व्हेन टू पे सेल्स टैक्स एंड हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, ये दोनों जो हैं दो दो नंबर के सवाल हैं, आपको पेपर में क्या होंगे, गिवन होंगे, ये आ सकते हैं। उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट, लास्ट अटेम्प्ट में हमारा सेल टैक्स का रेट चेंज हुआ था, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये नहीं पूछा गया। तो इस अटेम्प्ट में ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर टैक्स का रेट चेंज हो जाए उसकी हम कंप्लायंस कैसे करेंगे, किस तरह से होगी, वो हमने क्या करना है, बताना है। रिमेंबर पहला इसमें रूल जो है वो है लोकल सप्लायर्स के अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट है, वो है लोकल सप्लायर्स के अगेंस्ट। लोकल के लिए रूल क्या है कि जो भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी, क्या होगी, जो भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड, जो इसमें से अर्लियर है उस डेट के ऊपर जो भी रेट है आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर रेट चेंज हो गया, जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ रही है, आप क्या करेंगे, आप उस रेट के मुताबिक अपना टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। ठीक है, इम्पोर्ट्स के केस में रूल क्या है, इम्पोर्ट्स में रिमेंबर जब आप अपना गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे, उस दिन जो है आपका जो भी रेट अप्लाई हो रहा होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, हम टैक्स पे कर रहे होंगे। लेकिन फिर इस रूल की एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस, वो क्या है कि अगर आपने अपना गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिए, अभी आपके गुड्स इंपोर्ट होके आए नहीं है, वहाँ से निकला कंटेनर आपने जाके पहले जमा करवा दिया, अब गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिया हुआ है, गुड्स आपकी बाद में आनी है, तो फिर क्या होगा, जो आपका डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा, मतलब जिस दिन डिलीवरी देने जाएंगे उस दिन जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, आपका टैक्स पे किया जाएगा। और दूसरा है कि आपकी कंसाइनमेंट जो आ गई है, वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अगर आप 7 डेज के अंदर उसको क्लियर नहीं करवाते वेयर हाउस से, तो 7 डेज के बाद जो भी रेट होगा उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लें, समझ आ गई है, समझ लें वट एवर, बट फॉर दिस अटेम्प्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अभी रिसेंट टैक्स रेट चेंज हुआ है, 17 से 18 गया अब, तो इसलिए ये एक हॉट टॉपिक है, पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो कुल मिला के 4 बातें जो हैं याद रखनी है आपने, कौन कौन सी हैं, साथ रिपीट कीजिएगा,
लोकल के केस में क्या रूल होगा, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब गुड्स मेड अवेलेबल और डिलीवर विच एवर इज अर्लियर, उस पर हमने क्या करना है रेट लगाने। इम्पोर्ट्स के केस में नॉर्मल रूल्स क्या है, जो हमारा गुड्स डिक्लेरेशन की डेट है जिस दिन हम जाके अपना टाइम डिक्लेरेशन बताएंगे उस दिन जो रेट अप्लाई हो रहा होगा उस पर क्या होगा रेट लगेगा। इसके एक्सेप्शन है क्या कि अगर हमारा गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो गया जब गुड्स बाद में आई हैं जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा उस पर जो रेट एप्लीकेबल हुआ वो, अगर गुड्स आ गई हैं हम 7 डेज के अंदर वेयर हाउस से क्लियर उसको क्लियरेंस नहीं करवाते 7 दिन के बाद जो रेट अप्लाई होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा टैक्स पे किया जा रहा होगा। तो 4 बातें याद रखनी है, लोकल, टाइम ऑफ सप्लाई, इम्पोर्ट, गुड्स डिक्लेरेशन। इसके एक्सेप्शन क्या है, अगर डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो गया तो डेट ऑफ मैनिफेस्ट, और अगर गुड्स आ गई हुई हैं 7 डेज में वेयर हाउस से क्लियर नहीं करवाई उसके बाद जो भी रेट होगा हम क्या करेंगे उसके मुताबिक उसको लेकर चल रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट के लिए। देखें, ऑटम 2010 में सवाल आया था, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिगार्डिंग द फॉलोइंग, चेंज द रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। 4 नंबर का 4 पॉइंट है, 4 बातें ही लिखनी है आपने। फिर आया चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग टैक्स पीरियड ऑटम 14 में, 4 नंबर का 4 बातें ही है। लोकल में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट में क्या है, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एक्सेप्शन क्या है, अगर डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो तो डेट ऑफ मैनिफेस्ट, और अगर आपकी गुड्स आ गई हैं 7 डेज में आपकी क्लियरेंस नहीं हुई उसके बाद जो रेट होगा उसके मुताबिक करेंगे। फिर ऑटम 19 में भी आपके पास यही सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या कि अगर आपकी सेल्स रिटर्न हो गई, आपने सेल्स की थी, सेल्स रिटर्न हुई है तो प्रॉपर डेबिट ट्रेड नोट इशू होगा आपका, वो तो पहला पॉइंट है। अलॉन्ग विद डैट अगर आपको गुड्स वापस हुई हैं और वो गुड्स जो हैं अनफिट फॉर कंजम्पशन थी, मतलब गुड्स एक्सपायर हो गई थी फिर उसने वापस की हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आके गुड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट का बंदा आएगा आपको सामने आएगा उसके सामने क्या करेंगे आप, वो गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रिमेंबर उन गुड्स के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ था जब आपने सेल्स की थी, उन सेल्स के ऊपर इनपुट टैक्स आपने लेस करवा दिया था। जब गुड्स वापस हुई हैं, जब आप गुड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स आपने पहले क्लेम किया था वो क्या हो जाएगा आपका, डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकली ये पॉइंट आ सकते हैं, जैसे ऑटम 19 में सवाल आया हुआ है, देर आर सर्टेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एज दे आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड सेलर हैज नो ऑप्शन बट टू डिस्ट्रॉय देम, स्पेसिफाई द प्रोसीजर विच मस्ट बी फॉलोड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर टैक्स रूल्स 2006 फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स। तो क्या है, अंडर द सुपरविजन डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा, हमें गुड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, प्रॉपर DCN हमारा इशू होगा, उसके बाद जो इसके ऊपर इनपुट टैक्स होगा वो हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अभी तक पढ़ के आए हैं कि जब भी हमने कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम करना है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में सिर्फ एक दफ़ा आ चुका हुआ है और वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन शामिल होता है वाला, कि क्या था कि अगर आपने गुड्स वगैरह परचेज की हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम करना होता है तो रिमेंबर उस इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि इनपुट टैक्स सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर सकता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आप बाद में रजिस्टर्ड हुए हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और ये सिर्फ किसके लिए है, इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक के लिए। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक परचेज किया हुआ था, आप उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं थे, स्टॉक परचेस करने के बाद अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उस वक्त जितना भी फिजिकली वेरीफाइबल आपका स्टॉक होगा उसके अगेंस्ट जितना भी आपका इनपुट टैक्स बनता होगा हम क्या कर सकते हैं, उसको सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी, अगर आप अंदर रजिस्टर्ड नहीं है कोई मसला नहीं है, आपने स्टॉक इन्वेंट्री परचेज की हुई है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं 30 दिन के अंदर, जितना फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा उसके अगेंस्ट जितना भी आपका इनपुट टैक्स बन रहा होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और इंपोर्ट केस में ये लिमिट क्या होती है, 90 डेज की, मतलब इंपोर्ट करने के बाद 90 डेज में जितना भी फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो यहां तक जितनी हमने बात की है डिस्कशन, दैट वाज 100% कंप्लीट डिस्कशन डेफिनेशन और प्रोविजन एंड रूल्स के मुताबिक, मतलब ये
और न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके इन तीनों से हो सकते हैं। इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, यही डेफिनेशंस थी जो आपने करनी है, जो क्रैम करनी थी वो वाली भी आपको मैंने सारी हाईलाइट करवा दी हैं, जो याद करने वाली थी वो वाली भी मैंने सारी आपको क्या कर दी हैं, हाईलाइट करवा दी हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जो है उससे क्या हो सकता है, आपके 110% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ें आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एरिया रह गया है, दैट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसमें से जो करवाऊंगा एटलीस्ट मिनिमम यही कर जो, तो आपका 5 से 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह की, कि रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है और डी रजिस्ट्रेशन क्या है, इसको देखते हैं। ये चीज़ जो है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हमें गालिबन क्या है 5 से 6 नंबर का पेपर आना ही आना। जितनी मैंने अभी आपको बता दी है ये 26 रूल्स हैं, अगर ये 26 रूल्स कर लेते हैं आपका पूरा जो है ये पेपर इसमें से निकल सकता है। आपको सेल्स टैक्स के लिए सिर्फ ये 26 रूल्स ही चाहिए। मैं आपको, अगर मेरे पास समरी पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जो हमने सेल्स टैक्स पढ़ा है ना, सेल्स टैक्स में 90% जो है वो मार्क सिक्योर करने के लिए आपको ये समरी जो है वो यही चाहिए। ठीक है, ये 26 रूल्स हैं, अगर ये 26 रूल्स आप कर जाते हैं आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन मेजॉरिटी स्टैटिकल क्वेश्चंस भी जो है वो किस में से आ रहे हैं, आपके इसी में से निकल रहे होते हैं। तो ये भी मैं रूल्स डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें हमारा टैक्स रेट क्या है, आपके पास अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं, आपने पूरा सेल टैक्स रिकॉल करना है, अब आप बस ये रूल्स पढ़ें, आप कोई भी पास्ट पेपर करें, आपसे जो पास्ट पेपर है वो भी हो जाएगा और ये सारा कुछ जो है वो भी क्या होगा, आपसे सॉल्व हो रहा होगा। अब रेट क्या हमारा सेल्स टैक्स का, 18% है। अगर हम गुड्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को ड्राइंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को गुड्स दे रहे हैं, कितना टैक्स चार्ज होगा हमारा, 18% के ऊपर चार्ज होगा। अगर हम अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं तो कितना टैक्स चार्ज होगा, 4% होगा फॉर द टैक्स जो हम चार्ज कर रहे होंगे। और ये बॉटम लाइन फिगर होती है, ये हमेशा चार्ज होनी ही होनी है, जितना टैक्स होगा वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एज इट इज़ पे कर रहे होंगे। अब इसके एक्सेप्शन भी है, किन किन के ऊपर फॉर टैक्स चार्ज नहीं होगा, एंड कंज्यूमर्स पे, रिटेल आइटम्स वगैरह के ऊपर, वाइट शुगर्स वगैरह के ऊपर कोई फॉर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। उसके अलावा ये रिड्यूस सेल्स टैक्स, मतलब कम टैक्स लगाते हैं कुछ आइटम्स के ऊपर, कमर्शियल इंपोर्टर, ही सारा कुछ जो है आपका रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो है, डैट इज़ इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर पाएगा। लाजमी है कि जो भी गुड्स जिसने बाय की हैं उसने टैक्स पे किया हो, अगर टैक्स पे नहीं किया, पेमेंट नहीं की, तो 180 डेज में क्या करनी है, उसने पेमेंट करनी है। मतलब अगले पॉइंट है कि पेमेंट जो है आप उधार पे ले सकते हैं सामान, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं, बट इसके लिए सूल क्या है कि पेमेंट आपने कब तक करनी है, 180 डेज में जो है आपने पेमेंट करनी है। अगर 180 डेज में पेमेंट हो गई तो ठीक है, अगर आफ्टर 180 डेज पेमेंट की तो वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। और नीचे मैंने लिख दिया हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 180 डेज उस सवाल से पहले कंप्लीट हो रहे हैं तब भी इग्नोर, बाद में कंप्लीट हो रहे हैं तब भी क्या होगा, हमारा ये इग्नोर हो जाएगा। अगर उसी मंथ में कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। ठीक है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, जब गुड्स मेड अवेलेबल हों या डिलीवर हों, एडवांस टैक्सेबल हमारा नहीं होता। वैल्यू सप्लाई क्या है, वैल्यू फिक्स बाय मैन्युफैक्चरर, जिसमें तमाम एफडीज, तमाम परमिशन ड्यूटी शामिल होती हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, वो हमारी क्या होती है, वैल्यू सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। इनपुट टैक्स अगर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे तो अगले 6 टैक्स पेयर तक क्लेम कर सकते हैं। लाजमी है सप्लायर ने टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे किया हो, टैक्सीबल आपके एक्टिविटीज़ टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स आपके टैक्सेबल होनी चाहिए। एग्जाम गुड्स के ऊपर कभी भी हमें टैक्स वगैरह क्लेम नहीं होता।
फेकन मसेज के ऊपर हमें टैक्स क्लेम नहीं होता, वहीकल के ऊपर हमें टैक्स क्लेम नहीं होता, सिर्फ फोक लिफ्टिंग वहीकल पे अलाउ है और वो वहीकल्स जो आपकी स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है उसके ऊपर अलाउ है। पेमेंट करनी है 50,000 तक कैश में कर सकते हैं, अबव 50,000 क्या करनी पड़ेगी, थ्रू बैंक पे करनी पड़ेगी। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करनी है एक मंथ में कितनी कर सकते हैं, 10 मिलियन की इससे अबव करेंगे तो क्या हो जाएगी आपको, जो ओवर एंड अबव है वो हमें डिसअलाउ हो जाएगा उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स। जो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगी उसके अगेंस्ट हम इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स जो है हम उसको अपोर्शन करेंगे प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर, उसका टेबल जो है मैंने आपको बता दिया हुआ है किस तरह से हम बना रहे होते हैं। इनपुट टैक्स 90% तक ही क्लेम हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन है, और लेकिन जो प्लांट हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, उसका जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो हम क्या कर सकते हैं, सारे का सारा ही क्लेम कर सकते हैं। अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, हम कैसे निकालते हैं हमने देख लिया था, पेपर में हमें क्या होता है वैल्यू गिवन होती है। फिर डेबिट नोट क्योंकि परचेज रिटर्न होती है वो हमने हमेशा वर्किंग में ट्रीट करनी है, क्रेडिट नोट हमारा सेल्स रिटर्न होते हैं वो हम फेस पे कर रहे होंगे। इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या करते हैं एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। रिटेल आइटम हमेशा रिटेल आइटम पे बिकेंगे, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट कोई फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। नॉर्मल डिस्काउंट अगर हमने क्लेम करना है तो उसके लिए हमें कंडीशंस जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी, वो क्या होंगी, इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए और डिस्काउंट बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट टैक्स में नहीं होता, क्यों, बिकॉज वो डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं होता, इसलिए हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। उसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दे क्रेस्ट तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स हमें पेपर में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। उसके अलावा गुड्स आपने अगर परचेज की हैं बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हमें क्या होती है, इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाता है। अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है सीमेंट पे, पेंट पे, स्टेशनरी पे, फर्नीचर पे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स हमें क्या होता है, डिसअलाउ। और कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा, 25% पे, उन्हें सेल करेंगे तब भी कितना टैक्स चार्ज होगा, 25% पे चार्ज हो रहा होगा। 27 रूल्स हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं इनसे बाहर आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। आप कोई न्यूमेरिकल पकड़ने, किसी भी न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 27 रूल्स ही चाहिए, इसमें से कोई बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। आपके पास पेपर में ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023 तक 28 न्यूमेरिकल हैं, 29 न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल्स कोई भी पकड़ लें वो इन्हीं रूल्स में सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपको 27 रूल्स ही आ जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर अपोशनमेंट का टेबल हमने सीख लिया बनाना, कैसे अपोशनमेंट होती है आपको इसकी भी प्रैक्टिस जो है वो भी मैंने करवा दी थी। फिर स्केड्यूल्स हमें पता है कौन से थर्ड में आते हैं, ये स्केड्यूल नेम हमें याद करने की जरूरत नहीं है। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था कि क्रेडिट नोट क्या है हमारे लिए, डेट इज सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट क्या है, परचेज रिटर्न है, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब ये जो थ्रेटिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसका मिनिमम अगर आप ये आंसर भी लिख देंगे ना तो आपको एक्सेप्टेबल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का सवाल आया है मिनिमम ये भी लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, सप्लायर, इंपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, ये जो है ये क्या करेंगे, सेल्स टैक्स पे करेंगे। मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है, रिटेल आइटम्स का मैन्युफैक्चरर है, उसका टैक्स कौन पे करेगा। मैन्युफैक्चरर को बताया भी था, जैसे टिश्यू की एग्जांपल ली थी, इसका टैक्स कौन पे कर रहा होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका टैक्स जो है क्या कर रहा होगा, पे कर रहा होगा। व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, एट टाइम ऑफ इंपोर्ट या एट टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कॉटेज इंडस्ट्री को और जो नॉन स्पेसिफाइड टेलर है इनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम अगर आप ये आंसर लिखते हैं इतना तब भी आपके लिए क्या है, सफिशेंट है। फिर अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो उसका क्या है, देखें लोकल केस में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, इतना लिख देंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इंपोर्ट से केस में क्या है कि जब गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट होगा वो आपके लिए होगा। अगर आपका गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दी है फिर जो डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगी उसके मुताबिक क्या करेंगे हम इसको लेकर चल रहे होंगे। और अगर आपकी गुड्स आ गई हैं, अगर 7 डेज में अगर आपने क्लियर नहीं करवाई वेयर हाउस, उसके बाद जो होगा उस पर हम क्या करेंगे लेकर चल रहे होंगे। एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह जो होता है, जैसे ये हमने देखा था नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर के ऊपर, उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर पेमेंट इन काइंड की है आपके तो उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस है वही हमारे लिए क्या होती है, वैल्यू कंसिडर हो रही होती है। अपोर्शनमेंट में हम हर मंथ में जो कर रहे होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोविजन एडजस्टमेंट कहलाती है।
और जो साल के एंड पे करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, एनुअल एडजस्टमेंट कहला रही होगी। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वो हमें अंडर करनी होती है सुपरविजन, उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो हमारा क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है। अगर वेस्टेज वगैरह है रॉ मटेरियल की, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। रिमेंबर इनपुट टैक्स मैक्सिमम कितना क्लेम हो सकता है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। बट ये रूल जो है फिक्स एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, फिक्स एसेट्स के लिए आप जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो क्लेम कर सकते हैं। रिफंड अगर आपको एक क्लेम करेंगे, मैक्सिमम जो है रिफंड को आप एक साल तक क्लेम कर सकते हैं, एक साल के बाद अगर रिफंड क्लेम करना आया या तो वो क्लेम नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो इनपुट टैक्स अगर आप क्लेम करना भूल गए हैं तो वो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं, अगर 6 टैक्स पीरियड्स के बाद याद आया तो वो भी क्लेम आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आपने बिफोर रजिस्ट्रेशन स्टॉक परचेज किया था तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्टर्ड होंगे, जितना फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा उसके अगेंस्ट आपका इनपुट टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। और इंपोर्ट में कितना है, 90 डेज। अगर आप किसी से टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तो आप वो अमाउंट बायर को रिफंड कर दें, अगर बायर पे इंसिडेंस पास कर दी है और वो अमाउंट आपने गवर्नमेंट को जमा करवा दी है तो गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, आप क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही उस बंदे को ट्रेड करना पड़ेगा। और सप्लाई चेयर में रिमेंबर याद रखिएगा, अगर कोई बंदा टैक्स चोरी करेगा तो बायर और सेलर दोनों क्या होते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चार सफ़े हैं, ये चार सफ़े आपका तकरीबन अगर 30 नंबर का सेल टैक्स आएगा तो 24 नंबर सिर्फ और सिर्फ आप इन चार पेजेस से क्या कर सकते हैं, सिक्योर करवा सकते हैं। तो ये आपके लाइक न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके अलावा आपके दो के करीब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो इन चार सफ़ों से क्या हो रहे होते हैं, सॉल्व हो रहे होते हैं। अब हम चलते हैं वापस, हमारे पास जो एरिया आ रहा है डैट इज़ रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन वाला एरिया जो लास्ट एरिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है। सबसे पहले ये सवाल हमारे पेपर का मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होना लाजमी है, वो हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर पहले ही पढ़ के आ चुके हुए हैं, फिर देखते हैं जो मैन्युफैक्चरर जो हैं कॉटन इंडस्ट्री के अलावा उनके लिए लाजमी है ये क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। जो आपके स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, इंपोर्टर रजिस्टर्ड होगा, कोई भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रजिस्टर्ड होगा, वो तमाम एक्सपोर्टर्स जिन्होंने रिफंड क्लेम करना है वो क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। या कोई भी बंदा जिसको FBR ने कह दिया है कि आपको रजिस्टर्ड होना है तो वो क्या होगा, हमारा रजिस्टर्ड हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं होता और वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो क्या किया जाएगा, उसको एज अ पेनल्टी के तौर के ऊपर उसका गैस और बिजली का मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई टीयर वन रिटेलर है, उसे कहा था रजिस्टर्ड हो जो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा उसको, ये सारा कुछ जो है वो बेयर करना पड़ेगा, उसका बिजली का और गैस का मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वो रजिस्टर हो जाएगा जब अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो क्या कर देगा, साथ इंटीग्रेट कर देगा, फिर उसका गैस का और बिजली का कनेक्शन जो है वो क्या होगा, वो हम रिस्टोर कर रहे होंगे। अभी ऑटम 2009 का सवाल है, देखिएगा सिर्फ इस एक एरिया से रजिस्ट्रेशन वाले में से कितने सवाल आए हैं और कितने आसान सवाल आए हैं, और हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर रो रहा है कि बच्चे क्रैमिंग करते हैं या तो, और ये एरिया छोड़ जाते हैं, इस एरिया को करते ही नहीं है, इसमें से हंस के 5-6 नंबर पूछ रहा होता है। अब ऑटम 2009 का सवाल है, कमेंट वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, बताएं जी क्या इन लोगों का रजिस्टर होना लाजमी है। मिस्टर याया इज अ होलसेलर एंड हिज बिजनेस टर्नओवर इज 4.9 मिलियन, अभी पढ़ के आए हैं, जो होलसेलर होगा उसके लिए लाजमी है होना रजिस्टर्ड, तो ये क्या होगा, बंदा रजिस्टर्ड होगा। मिस्टर इज हाक इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस यूज, एनुअल इम्पोर्ट आर एस्टिमेटेड एज ₹3 मिलियन, अभी हमने पढ़ा है इम्पोर्टर के लिए भी क्या है, लाजमी है, वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो ये क्या है, बंदा लाजमी है रजिस्टर्ड होगा। फिर मिस्टर परवेज इज अ कमर्शियल इम्पोर्टर, ऑल हिज बिजनेस परचेजेस आर एदर एग्जाम सप्लायर्स और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, एक्सपोर्टर के लिए रजिस्टर्ड होना तब लाजमी है जब उसने रिफंड क्लेम करना हो। अब वो तो डील ही किसमें कर रहा है, एग्जाम सप्लायर्स, तो एग्जाम सप्लाई पे कोई रिफंड है ही नहीं, तो इसके लिए इसको रजिस्टर होना लाजमी नहीं है। फिर मिस्टर फारूक इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हिज एनुअल टर्नओवर इज 15 मिलियन, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। फिर मिस्टर रफीक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैंडल्स, हिज एनुअल टर्नओवर इन लास्ट 12 टैक्स पीरियड वॉज बिलो 10 मिलियन, अब कैंडल्स है ये किस चीज़ पे दे रही है बात, कॉटन इंडस्ट्री में, अगर ये कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है तो इसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है।
फिर स्प्रिंग 13 का सवाल है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू बी अनरजिस्टर्ड। बताएं किन सिचुएशन में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरर थे, आप फॉल करें कॉटेज इंडस्ट्री में, तो क्या हो जाएंगे? अनरजिस्टर्ड। पहले आपसे स्पेसिफाइड रिटेलर, अब आप हो गए अनस्पेसिफाइड, तो क्या हो जाएंगे? आप अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। पहले आप जो है वो डील कर रहे थे टैक्सेबल सप्लायर्स में, अब आप चले गए हैं एग्जाम सप्लायर्स में, तो क्या हो जाएंगे? आप अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने अपना बिजनेस बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, सीज कर दिया, तो फिर क्या हो जाएंगे? आप अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। या अगर आप रिटर्न जमा नहीं करवाते 6 टैक्स पीरियड तक, फिर क्या हो जाएंगे? आप अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब ये सवाल जो है ना, लिस्ट द आइडेंटिफाई फॉर द सिचुएशन हु आर रिक्वायर्ड टू बी अनरजिस्टर्ड, ये बहुत दफा पूछा हुआ है। ये स्प्रिंग 13 में आया, फिर ऑटम 14 में आया, लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बताएं किन किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। वही इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटन इंडस्ट्री, रिटेलर एक्सेप्ट नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर, और एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन रिफंड, उसके लिए क्या है? रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो ये सवाल पेपर में आता है, इस अटैम्प्ट में भी इस सवाल की अगर आ जाए तो आप इसको लिख लीजिएगा। सिर्फ इतनी बातें लिखनी है आपको, प्रॉपर लाइक पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, बुलेट्स में लिखिए, द पॉइंट लिखें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन होगा? इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटन इंडस्ट्री, उसके अलावा एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू एक्सपोर्ट ऑब्टेन रिफंड, और रिटेलर अदर देन नॉन स्पेसिफाइड, उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो बस ये पांच बातें लिखनी है, पांच लफ्ज़ लिखने हैं आपको। अगर 4 नंबर का सवाल है, आपको 3 नंबर मिनिमम आराम से मिल जाएंगे। अब देखें, आपने अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये टेबल सिर्फ आप याद कर लें, बाकी चीज़ें जो हैं आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको रेलेवेंट RTO जाना पड़ेगा या LTO जाना पड़ेगा। RTO कहते हैं रीजनल टैक्स ऑफिस, जहाँ जाके क्या करेंगे? आप दरख्वास्त दे रहे होंगे कि जी मैं रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ। अब पहला क्वेश्चन है, किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि आपने कौन से RTO पे जाना है? आप देखें, एक बिजनेस है, हेड ऑफिस उसका लाहौर में होता है, फैक्ट्री कराची लगी होती है, तो कैसे डिसाइड करें कराची जाके होना रजिस्टर्ड के लाहौर में होना रजिस्टर्ड? एक बिजनेस है, उसका हेड ऑफिस कहीं पे, फैक्ट्री कहीं पे, ब्रांचेस कहीं पे खुली हुई है, तो कहां पे जाके अप्लाई करेंगे, कहां पे होना है रजिस्टर्ड? उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि रिमेंबर, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए जहां पे भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे क्या होना पड़ेगा? इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जाके उसको उस RTO में, अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है फॉर एग्जांपल गार्डन टाउन में है, अब गार्डन टाउन का RTO उसको नज़दीक पड़ रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसका अगर जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कराची में है, तो वो जिस RTO में फॉल कर रहा होगा वो क्या करेगा? वहाँ पर जाके उसको अप्लाई कर रहा होगा। अब वो कंपनीज जो पब्लिक कंपनी के अलावा हैं, ये कौन सी हैं जो पब्लिक कंपनी के अलावा, प्राइवेट कंपनीज की या अनलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं? रिमेंबर, अगर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इंगेज है, तो रिमेंबर जिस RTO में उसकी फैक्ट्री आएगी वहाँ पे जाके वो अप्लाई करेंगे, और वहाँ पर क्या होंगे? वो दरख्वास्त देके रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। तो कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, सर्विसेज का बिजनेस कर रही है, तो उसकी जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी हो रही हैं वो जिस RTO में आएगा वहाँ पर क्या करेंगे? वो अप्लाई कर रहे होंगे। फिर कोई भी पर्सन, अब ये पर्सन कंपनी के अलावा, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की और AOP की, उसके लिए क्या है? वो जहाँ पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसको आके रजिस्टर्ड उस RTO में जाके वो क्या करेगा? अपनी एप्लीकेशन दे रहा होगा। अगर कोई पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड अभी नहीं है, मतलब AOP है या इंडिविजुअल है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेकिन मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहा है, तो रिमेंबर जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेट कर रहा है वहाँ पे वो जिस RTO में आएगा वहाँ पे जाके क्या करेगा? दरख्वास्त देगा, और वहाँ पे उसे क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी रीड ओनली है, बट ये रीड ओनली कम से कम 3 दफ़ा आपने पढ़ने हैं। अगर किस्मत बहुत ही बुरी हुई तो आपसे पूछते कब तक कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने पड़ते हैं। अब रिमेंबर, अगर आपने जब भी रजिस्टर्ड होने के लिए अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, जिस पे आपका बिजनेस का नाम लिखा हो कि ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। उसके अलावा आपने क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा
अगर आपका जो बिजली का मीटर हो गया, उसका कंज्यूमर नंबर हो गया, गैस का मीटर हो गया, उसका कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप देखें, अगर आपके रेंटल प्रेमिसेस हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो फिर भी जब आप यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, आप यहाँ पे बता देंगे यार ये मेरे रेंटल प्रेमिसेस हैं, ये जगह पे है, ये मीटर का नंबर है, ये कंज्यूमर नंबर है, ये मैं इस्तेमाल करूँ। अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं, ऑल द मीटर आपके नाम नहीं है, ऑल द वो आपके नाम कनेक्शन नहीं है, बट आप उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे। हम इसकी अभी पहले बात करके आए थे। उसके अलावा अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेज हैं, उसके पर्टिकुलर जो हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। आपको अपने बिजनेस प्रेमिसेस की GPS टैग फोटोग्राफ जो है वो अवेलेबल करनी पड़ेंगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी की GPS टैग फोटोग्राफ होंगी वो भी क्या करनी पड़ेंगी, आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और इवन अगर आपने बिफोर रजिस्ट्रेशन कोई स्टॉक लिया हुआ था, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है, जो आपका स्टॉक अनसोल्ड है, अभी हम पढ़ के आए हैं, आप अनसोल्ड स्टॉक को आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। जो फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा आप यहाँ जमा करवाएंगे, स्टॉक स्टेटमेंट में वेरीफाई करेंगे, उसके अगेंस्ट जो भी होगा आपका इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या करने पड़ते हैं, आपको जमा करवाने पड़ते हैं जब आपने रजिस्टर्ड होना होता है। अब ये क्या करेंगे, आप पोर्टल पे जाएंगे FBR KRS के ऊपर, वहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे अपने NTN से, और वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जाके आप रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। अब जो भी होगा सिस्टम जो है, जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कर लेगा रजिस्टर्ड, और आपको कह देगा कि आप यहाँ आपका रिप्रेजेंटेटिव जाए नाजरा, और जाके एक महीने के अंदर जो है बायोमेट्रिक करवा के दे। अगर आप एक महीने के अंदर बायोमेट्रिक करवा देंगे, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं, आपका नाम ATL में आ जाएगा। अगर आप एक महीने के अंदर बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे तो आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरर को कहा जाएगा कि आपने पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं जमा करवाने हैं, कि ये मशीन कहाँ से ली, प्लांट कहाँ से ली, उसका डॉक्यूमेंट जो है वो, अगर वो आप जमा करवा देंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करवाएंगे 15 डेज के अंदर तब भी आपका नाम क्या होगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये सारा आपके लिए क्या है, रीड ओनली है, इसको क्रैम करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये आप कह सकते हैं इसको आपने क्रैम करना है, रट्टा मारना है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। देखें, एक है आपके पास रजिस्ट्रेशन जो भी हम पढ़ के आए हैं, एक है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ये वक्ती तौर के ऊपर होती है, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर को दी जाती है कि अगर उसने कोई प्लांट वगैरह इंपोर्ट करना है उसके लिए दी जा रही है, कि अगर आप टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाए, प्लांट इंपोर्ट कर लें, बाद में क्या कर देंगे, हम आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो किसको दी जाएगी, मैन्युफैक्चरर को। क्यों दी जाएगी, प्लांट वगैरह इंपोर्ट करने के लिए। अब जिसको भी हम दे रहे हैं उसके पास राइट्स क्या है, कि उसको हम 60 डेज के लिए क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं टेम्परेरी तौर के ऊपर, कि वो बंदा क्या कर सकता है, इन 60 दिनों में अपना प्लांट या अपनी मशीनरी जो है वो क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। अब ऑब्लिगेशन क्या है, कि जैसे ही आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो 72 घंटों के अंदर क्या करेगा, सिस्टम जो है वो क्या करेगा, आपको रजिस्टर्ड करेगा। अब जब आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी 60 दिनों के लिए, तो आपने क्या करना होगा, जो भी आपका प्लांट है आप उसे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मशीनरी को इंपोर्ट करेंगे, जो भी लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट से पहले आप एक पोस्ट डेटेड चेक जो है वो जमा करवा देंगे, वो एज अ गारंटी होगा कि आप ये चीज़ इंपोर्ट करें, खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद इंस्टॉल करेंगे। अगर आप 60 दिन में इंपोर्ट कर लेते हैं, प्लांट का इंस्टॉल कर लेते हैं, डिपार्टमेंट जो है वो चेक आपको वापस कर देगा। लेकिन अगर आपने प्लांट जो है वो वापस इंपोर्ट ना किया या इंस्टॉल ना किया, तो ये जो आपने टैक्स चेक जमा करवाया होगा, नॉर्मली होता है 3% का चेक होता है वैल्यू एडिशन का, तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको इन कैश करवा लेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कि जिस बंदे के पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है 2 माह के लिए है, वो 2 माह के लिए क्या करेगा, अपने सेल्स टैक्स रिटर्न तो जमा करवाएगा, बट वो कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं कर सकता, बिकॉज वो रजिस्टर्ड किस पर्पज़ के लिए था, वो एक ही पर्पज़ के लिए था, प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए। अगर उसने कोई इनवॉइस वगैरह इशू कर भी दी, तो उसके अगेंस्ट उसे कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट वगैरह अलाउ नहीं होगी। तो यही चीज़ ऐसे ही याद कर ले कि क्या होती है, राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशन क्या हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्रैम कर लें, बिकॉज एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो शुमार होता है। जैसे स्प्रिंग 18 में आया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ब्रीफली डिस्कस द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो यही बताना है कि राइट्स क्या हैं,
ऑब्लिगेशन क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये आया हुआ है। फिर ऑटम 18 में आया है बिल्कुल नेक्स्ट अटैम्प्ट में, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट अटैम्प्टेड क्वेश्चन जो है ये हमारा शुमार हुआ था। ये ऑटम स्प्रिंग 18 में पार्ट ए और पार्ट बी के मिला के 15% बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स ले पाए थे। तो पार्ट ए भी बुरा था और पार्ट बी भी माशाल्लाह बहुत बुरा था। तो उसने दोबारा नेक्स्ट टाइम में पूछा, सेम हालात वही रहे थे कि बच्चे इसमें से पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए थे। गालिबन 23% के करीब रिजल्ट था ऑटम 18 में। सवाल क्या है, टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या होती है, राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नंबर यहाँ 6 थे, यहाँ 5 थे, सेम क्वेश्चन जो है वो क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या है कि अगर किसी लोगों को कहा गया है कि आपने क्या होना था, आपने रजिस्टर्ड होना था, क्या होना था, आपने रजिस्टर्ड होना था। आप अभी रजिस्टर्ड अगर नहीं हुए, आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, कहेंगे रजिस्टर्ड हो जाओ, वो आपको नोटिस इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैन्युफैक्चरर को, यहाँ एक बंदा जो टीयर वन में फॉल करके रिटेलर में, उसे नोटिस करेंगे भाईजान क्या हो जाएं आप, रजिस्टर्ड हो जाएं। अगर वो बंदा हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसको नोटिस दिया, वो रजिस्ट्रेशन के अगर अप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या किया जाएगा कि उसको एक नोटिस भेजेंगे रजिस्टर्ड होने का, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे आओ अपना रिटर्न अप्रूवल दो कि हम तुम्हें रजिस्टर्ड क्यों ना करें। अगर वो आता है, बताता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, हम दरख्वास्त को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपने उसको नोटिस इशू किया और वो बंदा अगर आपके नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे क्या करेंगे आप, उसको रजिस्टर्ड कर देंगे, कहेंगे हमने आपको रजिस्टर्ड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी और ये आपका डिफॉल्ट चार्ज है और ये आपका टैक्स है, वो क्या करना है आपने पे करना है। अगर उसके भी कंप्लायंस नहीं करता तो उसके अगेंस्ट पे दूसरी जो कार्रवाइयां स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैक लिस्टिंग और उस तरह के तमाम मामला शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बंदे को कंपल्सरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेटर ऑन लगता है पता कि उस बंदे का रजिस्टर्ड होना नहीं बनता था, यह सेशन में गलती थी, तो क्या कहेंगे, सॉरी हमसे गलती होगी, माफ कर दें, अल्लाह हाफिज। तो ये अपनी गलती सिर्फ इतनी तस्लीम करते हैं कि अगर इन्हें लग जाए पता कि आपको रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, तो ये क्या करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और कोई टैक्स, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई पेमेंट जो है थी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है ये आपकी रीड ओनली है। उसके बाद है डी रजिस्ट्रेशन, के डी रजिस्ट्रेशन रीड ओनली है। उसके बाद है हमारे पास डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन क्या है और कब होती है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब रिमेंबर, कोई भी बंदा डी रजिस्टर्ड कब होगा, जब अपना बिजनेस सीज कर ले, ख़त्म कर ले, उसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाए, अपना बिजनेस बेच दे, अपना बिजनेस मर्ज कर दे, या 6 मंथ तक वो टैक्स पीरियड ना, रिटर्न जमा ना करवाए, या वो कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर जाए, या वो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर में आ जाए, तो क्या होगा, वो डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा, क्या करेगा, कमिश्नर को अप्लाई करेगा, या कमिश्नर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर या अपने इनिशिएटिव पे क्या कर सकता है, उसको डी रजिस्टर कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देगा। अब कैंसिल करने का टाइम फ्रेम क्या होगा, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि जब उसने हमें दरख्वास्त दी उसमें 90 दिन के अंदर अंदर, या जब वो अपनी फाइनल रिटर्न जमा करवा के तमाम ड्यूज क्लियर कर दे, वो विच एवर इज लेटर, जो लेटर इवेंट होगा उस डेट पे हमें क्या किया जाएगा, डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। डी रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इसकी ये डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, कब आपको किया जाएगा डी रजिस्टर्ड, जब ड्यूज क्लियर हो जाए, या डेट ऑफ एप्लीकेशन 90 डेज में, जो लेटर इवेंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, डी रजिस्टर्ड जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। रिमेंबर, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो चला गया कॉटन इंडस्ट्री में, तो वो भी क्या होगा, डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। रिमेंबर, डी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी आप वो जमा करवाएंगे, जमा करवाने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी फाइनल रिटर्न जमा करवाएंगे, वो आपकी लास्ट रिटर्न होगी, वो सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। अगर आपने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो कमिश्नर चाहे तो वो आपके टैक्स लाइबिलिटी की इंक्वायरी भी करवा सकता है, ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है, वो करवा के फिर क्या करेगा, आपको डी रजिस्टर्ड कर रहा होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई गेस इसमें से आज तक सिनेरियो नहीं आया, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सफिशिएंट सिनेरियो कह सकते हैं।
मिस्टर मोए अप्लाइड फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 मार्च 2024. उसने अप्लाई किया कब? 5 मार्च 2024 को उसने अप्लाई किया डी रजिस्ट्रेशन के लिए. डिटर्मिन द डेट बाय विच कमिश्नर में इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन. बताएं वो कब ऑर्डर इशू करेगा. अगर टैक्स लाइबिलिटी उसकी 15 मई को पे हो जाए और अगर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो उसकी 12 जुलाई को पे हो जाए. अब रूल क्या है? ऑल ड्यूज क्लियर और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज लेटर. डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 5 मार्च. अब देखते हैं पहली सिचुएशन में क्या होगा. अब पहली सिचुएशन में उसने 5 मार्च को हमें जमा कराई है एप्लीकेशन, तो 90 डेज हमारे पूरे कब हो रहे हैं? 3 जून को. और उसने तमाम ड्यूज कब क्लियर किए हैं? 15 मई 2024 को. लेटर इवेंट कौन सा है? सबसे बाद में कौन हो रहा है? 3 जून है. तो 3 जून तक क्या कर सकता है? वो उसको डी रजिस्टर्ड कर देगा. 3 जून इज द लास्ट डेट. यहां पे क्या किया जाएगा? उसको डी रजिस्टर्ड किया जाएगा. सेकंड सिनेरियो में देखें, उसका टैक्स लाइबिलिटी कब जमा कराई है? 12 को. उसके 90 डेज कब पूरे हो रहे हैं? 3 जून को. और ड्यूज कब क्लियर हुई है? 12 जुलाई को. लेटर इवेंट क्या है? 12 जुलाई. तो इस डेट पे क्या किया जाएगा? उसको डी रजिस्टर्ड किया जा रहा होगा. ठीक है. उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन कब होती है? अगर डिपार्टमेंट को यकीन हो, डिपार्टमेंट को लग रहा हो कि आप लोग जो हैं वो टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है या आप लोग फेक इनवॉइसेस वगैरह इशू कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे. देखिए, पहले सस्पेंशन होगी, उसके बाद क्या होगी? आपकी ब्लैक लिस्टिंग जो है वो हो रही होगी. तो सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है वो ज़रा हमने देखना है. इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है यही आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 1 है नोटिस ऑफ सस्पेंशन, कि हम सस्पेंशन का नोटिस कब इशू करते हैं. यहां बताएं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम सस्पेंशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं. अब इसमें सस्पेंशन दो तरह की है, एक है नोटिस के बाद सस्पेंशन, एक है नोटिस इशू नहीं किया, सीधा सस्पेंड कर दिया और आपको सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो इशू किया गया. रिमेंबर, अगर कमिश्नर को सेटिस्फाई हो जाए या उसको यकीन है कि आपने कोई फेक इनवॉइस इशू की है या टैक्स अवेड किया है या कोई टैक्स फ्रॉड जो है वो आपने कमिट किया है, तो वो कोई आपको प्रायर नोटिस इशू नहीं करेगा. क्या करेगा? सीधा आपको सस्पेंड करेगा और आपको सस्पेंड करके आपके अगेंस्ट इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर देगा. इसके अलावा भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिस पे वो आपको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन इन इवेंट्स के ऊपर पहले वो आपको नोटिस देगा. अगर आप उस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे फिर वो क्या करेगा? आपको सस्पेंड करना होगा. अब वो कौन से हैं? जो आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस दिया था, अगर आप उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है फिर क्या किया जाएगा? आपको सस्पेंड किया जाएगा. अगर आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में डिपार्टमेंट को नहीं घुसने दिया फिर वो क्या किया जाएगा? आपको सस्पेंड किया जाएगा. आप अपने रिकॉर्ड की एक्सेस नहीं देते, आप जो है अपने कंप्यूटर की एक्सेस नहीं दे रहे, प्रेमिसेस की एक्सेस नहीं दे रहे, फिर वो क्या करेगा? आपको इशू करेगा नोटिस और आपको बाद में क्या करेगा? सस्पेंड करेगा. अगर आपकी टैक्स प्रोफाइल बड़ी एबनॉर्मल है, आपके बहुत ज़्यादा रिफंड है, बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड है, फिर क्या किया जाएगा? आपको नोटिस इशू किया जाएगा. फिर क्या किया जाएगा? आपको वो सस्पेंड जो है वो कर रहा होगा. उसके अलावा अगर आपने परचेजेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी ब्लैक लिस्टेड या किसी सस्पेंडेड पर्सन से, फिर क्या किया जाएगा? आपको नोटिस दिया जाएगा. या अगर आप अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहे या कोई कमिश्नर कह दे किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का कि यार ये बंदा सही नहीं है, इसको पकड़ लें, फिर क्या किया जाएगा? आपको सस्पेंड किया जाएगा. या कोई भी रीज़न जो उसको लग रही है उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? सस्पेंड किया जाएगा. लेकिन इन सारे रीजंस में पहले आपको क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा कि भाईजान हमें रिकॉर्ड आपने नहीं दिया, सस्पेंड कर दें, आगे एक्सप्लेन करो. अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे फिर सस्पेंड किया जाएगा. लेकिन ये जो है ना, जहां पे आपने फेक इनवॉइस इशू की है, टैक्स अवेड किया है, टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, इस पर क्या हो जाएगा? सीधा आपको सस्पेंड ही करेगा, कोई नहीं पूछेगा आपको. ठीक है. जब सस्पेंड करेगा तो रिटर्न सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा. उसमें जो सस्पेंशन की रीज़न है वो एंडोर्स होगी, लिखी जाएगी, और वो सस्पेंशन ऑर्डर तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम आर्टिस्ट को बता दिया जाएगा कि इस बंदे को हमने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है. रिमेंबर, अगर कोई बंदा 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक रिटर्न जमा नहीं करवाता वो भी क्या हो जाता है? विदाउट नोटिस वो सस्पेंड हो जाते हैं. ठीक है. अब देखें, जो बंदा सस्पेंड हो गया है
उस दौरान उसने कोई परचेजेस की हैं, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। अगर इसने किसी को सेल्स की हैं, मतलब इससे किसी ने परचेजेस की हुई हैं, वो बंदा भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो जब तक ये सस्पेंड रहेगा उस दौरान ना ये इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएगा, और अगर इसने किसी को उस पीरियड में उससे पहले सेल्स की हुई थी वो भी कोई इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है, इसको देखिएगा कि क्या है कि द कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर। क्या करेगा, जब उसने सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया, सस्पेंशन ऑर्डर इशू करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है, आपको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू करना है। क्या करना है, सस्पेंशन ऑर्डर इशू करने के बाद 7 दिन के अंदर उसने क्या करना है, आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है। और शो कॉज नोटिस में वो आपको देगा 15 days कि मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूं, ये रीजन है, आके मुझे बता दो। अगर आप उसके 15 डेज के अंदर नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करते, या उसके नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया, या रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, या उसको एक्सेस नहीं दी, क्या कर देगा आपको वो, ब्लैकलिस्ट कर देगा। क्या कर देगा, ब्लैकलिस्ट। और अगर कमिश्नर आपको ये सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करने के बाद शो कॉज नोटिस नहीं देता, कमिश्नर क्या है, बाउंड है आपको 7 days के अंदर क्या करने का, शो कॉज नोटिस देने का। अगर वो शो कॉज नोटिस आपको इशू नहीं करता तो आपकी सस्पेंशन क्या हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। तो कमिश्नर ने जैसे ही सस्पेंड करने के बाद उसने 7 days के अंदर क्या करना है, आपको शो कॉज नोटिस देना है। जब शो कॉज नोटिस मिल गया तो 15 days में आपने रिस्पॉन्ड करना, अगर ना रिस्पॉन्ड किया ब्लैकलिस्ट, और अगर उसने 7 days में शो कॉज नोटिस ना दिया तो सस्पेंशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और अगर आप अपने प्रेमिसेस पे नहीं है अवेलेबल तो ये नोटिस जो है सस्पेंशन, ये जितने भी आरटीओ होंगे उनके नोटिस पे क्या किया जाएगा, चस्पां कर दिया जाएगा, पेस्ट कर देंगे, भजन ये बंदा इश्तहारी है, इसको उठा के ले जाएं। ठीक है, और अगर आप उसको रिस्पॉन्ड आउट कर देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपके सस्पेंशन जो है वो खत्म कर सकता है। ठीक है, अब ब्लैकलिस्टिंग कब होती है, सिंपल सी बात है, ब्लैकलिस्टिंग कब है, जब आपके खिलाफ जुर्म कंफर्म हो गया, या अगर आपने सस्पेंशन ऑर्डर की क्या की है, कंप्लायंस नहीं किया। अगर सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया गया था उसका आपने जवाब नहीं दिया तो क्या कर दिया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, या आपका जुर्म कंफर्म हो गया है तो क्या किया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ब्लैकलिस्ट, जब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो ब्लैकलिस्टिंग में आपको जो ऑर्डर दिया जाएगा उसमें होगा कि आपकी ब्लैकलिस्टिंग की रीजन क्या है, वो क्यों ब्लैकलिस्ट किया है, जी आपने सस्पेंशन ऑर्डर का रिस्पॉन्ड नहीं किया था, या आपने टैक्स अवेड किया, आपकी फेक इनवॉइस, जो भी रीजन है, जो रीजन है वो स्टेट की जाएगी, बता देगा कि इस पीरियड से लेके यहां तक आपका इनपुट टैक्स जो है वो कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, कोई इनवॉइस आपने इशू की है वो भी अगला बंदा इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा, और जो पेनल्टी वगैरह है वो क्या की जाएगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, रिमेंबर ये जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है ये 90 days के अंदर अंदर क्या करना है उसने इशू करना है। देखें अब प्रोसेस हो क्या रहा है, सबसे पहले वो करेगा आपको सस्पेंशन ऑर्डर इशू। ठीक है, सस्पेंशन ऑर्डर इशू करने के बाद 7 days के अंदर उसने क्या करना है, आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है। अब शो कॉज नोटिस का जवाब आया नहीं आया, जो भी वट एवर, यहां से जब शो कॉज नोटिस इशू हो गया उसके बाद 90 days के अंदर अंदर क्या करना है, उसको क्या किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट ऑर्डर इशू देना है। अगर 90 days में आपने उसको ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर नहीं दिया या फैसला नहीं हुआ तो जो उसको सस्पेंड किया गया था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिमेंबर अगर आपने उसको कर दिया है सस्पेंड, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उस ऑर्डर की कॉपीज जो है उस रजिस्टर्ड पर्सन को और तमाम पर्सन को जो उससे कनेक्टेड हैं और जितना भी हमारे पास डिपार्टमेंट हैं सबको क्या किया जाएगा, हम उसे क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, कह देंगे ये बंदा जो है ब्लैकलिस्ट हो गया, इससे किसने परचेजेस की हुई है उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं किया जाएगा, और तमाम डिपार्टमेंट को क्या किया जाएगा, हम इन्फॉर्म कर देंगे। अब इस सारे को समझ लेना तो इस ट्री को समझ लें कि कैसा टाइम फ्रेम है और कैसा टाइम फ्रेम हमारा चल रहा होता है। देखें आपने सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया 1 सितंबर 2024 को, 7 days, 15 days, ब्लैक लिस्टिंग, इसको देखें आपने ऑर्डर इशू किया कब, 1 सितंबर 2024 को। अब आप है 7 days के अंदर आपने क्या करना है, आपने शो कॉज नोटिस देना है। 7 दिन पूरे हो गए 8 को, अगर आपने 8 तारीख तक शो कॉज नोटिस दे दिया
काम ठीक किया, कमिश्नर ने काम ठीक किया। अब टैक्स पेयर ने 8 तारीख के बाद 15 डेज में क्या करना है, रिस्पोंड करना है। अगर टैक्स पेयर ने रिस्पोंड कर दिया तो अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर उसने रिस्पोंड ही नहीं किया तो बंदा सीधा क्या हो जाएगा, वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कमिश्नर ने नोटिस इशू ही नहीं किया 7 डेज के अंदर तो सस्पेंशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। और कमिश्नर ने नोटिस इशू किया था, टैक्स पेयर ने रिस्पोंड भी कर दिया और कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब उसका जुर्म जो है वो कंफर्म हो गया है, कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका ऑफेंस जो है वो क्या हो गया था, कंफर्म हो गया था। अब क्या है कि अब उसने ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू करना है 90 डेज में, लग गया पता। अगर 90 डेज में ऑर्डर इशू हो गया तो बंदा ब्लैक लिस्ट है, अगर 90 डेज में ऑर्डर इशू नहीं हुआ तो ये शो कॉज नोटिस जो है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब देखिए डेट क्या है 90 डेज की, इस शो कॉज नोटिस से हमारे 90 डेज जो है वो चल रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट याद कर ले, आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो यहां पर याद हो जाता है। उसके बाद है रिकॉर्ड्स, हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने हैं, इसको आपने रीड करना है। और रीड में कुछ आपके पास कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, इन कॉमन रिकॉर्ड्स को आपने याद रखना है कि ये रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। पहले है टाइम पीरियड, कितने अरसे के लिए हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, वो है 6 साल के लिए। अब ये रिकॉर्ड्स कौन कौन से, ये कॉमन सेंस में रिकॉर्ड ऑफ परचेज, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, इंपोर्ट्स का हो गया ये होना चाहिए, अगर आप एग्जाम सप्लाइज करें उसका रिकॉर्ड, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक बैलेंसेस, बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, यूटिलिटी बिल, सैलरी, लेबर बिल्स, गेट पासेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के इनवॉइसेस होगी वो, डबल एंट्री सेल टैक्स अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे रिकॉर्ड जो है वो क्या करने हैं, आपको मेंटेन करने हैं। तो इसमें से कॉमन रिकॉर्ड जो आपको आना, मतलब इनवॉइस हो गया, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, गेट पासेज, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, उसके अलावा ये सारे रिकॉर्ड्स आप याद कर लें, 5-6 यही आपने लिखने हैं। ये मेंटेन हमने कितने साल तक करने होते हैं, 6 साल तक जो है वो हमने मेंटेन करने होते हैं। अब जो हम रिटर्न जमा करवाते हैं, रिमेंबर हम एक पर मंथ रिटर्न जमा करवा रहे हैं, जिसके बारे में हम सारा सीख के आ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी जो है हम आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास एनुअल रिटर्न या एक होती है हमारे पास स्पेशल रिटर्न। रिमेंबर हर कंपनी, कौन, हर कंपनी जो है वो क्या करेगी 30 सितंबर तक हर साल के क्या करेगी, एक एनुअल रिटर्न भी जमा करवाएगी। किसके लिए, ये कंपनी के लिए, कंपनी अपनी मंथली रिटर्न भी जमा करवाएगी और हर साल 30 सितंबर को क्या करेगी, अपनी वो पिछले साल की एनुअल रिटर्न भी जमा करवा रही होगी। एफबीआर के पास एक पावर है, वो किसी पर्सन को कह सकते हैं कि आपने स्पेशल रिटर्न भी हमें जमा करवानी है। अब वो क्या हो सकती है, रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, परचेजेस मेड, गुड्स सप्लाइड या कोई एरियर्स वगैरह, वो हमें कह देगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पेशल रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं पिछले 5 पेपर में से। उसके बाद है हमारे पास जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, वो नॉर्मली होती है 15। अगर आप 15 तक टैक्स जमा करवा दें तो आप 18 को क्या करनी होती है, आपने हर महीने की रिटर्न जमा करानी है। मतलब अगर मार्च के महीने की रिटर्न जमा करानी है, ड्यू डेट क्या है आपके पास 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल तक टैक्स पे कर दो तो 18 अप्रैल तक क्या करनी है, आपने रिटर्न जमा करवानी है। क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकती है, द आंसर इज यस, हमें एक्सटेंशन 15 डेज की मिल सकती है, लेकिन कब, जब ये रीजंस हों कि वो बंदा रिटर्न क्यों टाइम पर जमा नहीं करवा पा रहा, पाकिस्तान में नहीं था, सिकनेस हो गई या कोई मिस एडवाइस, फौजगी हो गई उसकी, या कोई भी रीजनेबल कॉजेज है, तो इसमें क्या कर सकता है, कमिश्नर जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकता है 15 डेज की। कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उसकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। और कमिश्नर के पास ये भी पावर है जो 15 डेज से ज़्यादा की एक्सटेंशन भी दे सकता है। उसके बाद है हमारे पास एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, ये हमारे पास हो गई है। अगर हमने रिवाइज रिटर्न करनी है, क्या करनी है, हमने रिटर्न को रिवाइज करना है, तो रिमेंबर रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए ना ये फ्लो चार्ट याद कर लें कि क्या हम रिटर्न एक दफ़ा सबमिट करवाने के बाद रिवाइज कर सकते हैं, द आंसर इज यस। रिमेंबर अगर हम 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट करवा रहा हूँ, जैसे फ्लो चार्ट याद कर लें बाकी आपके लिए सारा ये स्वरा हो जाएगा, ये फ्लो चार्ट ही आपका सवाल आता है ये हो जाएगा। अगर आप
ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिटर्न जमा करवाई है 10 मार्च 2024 को, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न को रिवाइज करते हैं और उस रिवीजन के नतीजे में आपका टैक्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है और रिफंड डिक्रीज हो रहा है, क्या टैक्स इंक्रीज और रिफंड डिक्रीज हो रहा है, आपको कोई अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। या अगर आपका टैक्स पेएबल डिक्रीज हो रहा है और आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल जो है वो दरकार होगा। लेकिन अगर आप 60 दिन के बाद रिटर्न क्या कह रहे हैं रिवाइज करने जा रहे हैं लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल जो है वो दरकार होगा। लेकिन अगर 120 दिन के बाद करेंगे रिटर्न रिवाइज तो वो हमें अलाउ नहीं की जाएगी। तो अगर 60 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज करवानी है, ठीक है, हो सकती है, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है या रिफंड कम हो रहा है तो विदाउट अप्रूवल रिवाइज करवा लो। अगर आपके टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है या रिफंड आपका बढ़ रहा है तो फिर विद अप्रूवल क्या करो, रिवाइज करवा लो। अगर 60 दिन के बाद रिवीजन करवानी है बट 120 के दिन के अंदर अंदर, तो हमें क्या चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगी कमिश्नर से। बट अगर 120 दिन के बाद रिटर्न की रिवीजन है, फिर हमें रिटर्न रिवाइज करना अलाउ नहीं होगा। उसके बाद जब हम रिटर्न रिवाइज करेंगे तो हमें कुछ समटाइम्स रिविजन जो है वो ऑडिट के दौरान भी हो सकती है, बिफोर ऑडिट भी हो सकती है, तो हमें शॉर्ट टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ सकती है, वो देखें। देखिए अगर हम वॉलंटरी रिविजन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो भी टैक्स कम है वो हम पे करेंगे, हमारी रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिटर्न रिवाइज हो जाएगी। लेकिन हमें अभी ऑडिट का नोटिस रिसीव नहीं हुआ, उससे पहले ही हम रिटर्न रिवाइज कर देते हैं, तो जितना टैक्स हमने कम पे किया वो प्लस डिफॉल्ट सर चार्ज पे करेंगे, रिटर्न हमारी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ऑडिट का नोटिस रिसीव हो गया, हमारा ऑडिट शुरू होने लगा है, लेकिन अभी हमें शो कॉज नोटिस नहीं आया, तो जितना टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा वो पे करेंगे और साथ 25% पेनल्टी पे करेंगे, रिटर्न हमारी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें शो कॉज नोटिस इशू हो गया, ऑडिट भी हुआ, शो कॉज नोटिस इशू हो गया, फिर जो टैक्स बता दिया उन्होंने वो प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस जितनी पेनल्टी कही जाएगी वो सारी पे करूंगा, फिर मेरे पास क्या होगी, रिटर्न जो है वो रिवाइज हो रही होगी। और आखिरी मेरे पास आती है फाइनल रिटर्न, जब बंदा डी रजिस्टर्ड हो रहा होता है उस वक्त जो वो रिटर्न जमा करवाएगा उसे हम क्या कह रहे होंगे, फाइनल रिटर्न जो है वो कह रहे होंगे। ठीक है, अब ये डेट्स वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली बड़ा ज्यादा पूछ रहा है कि बताएं ड्यू डेट क्या है और क्या नहीं। देखिए इसको टेबल को रटा मार लें, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, कौन जमा करवाएगा, सवाल आ रहा है बताएं रिटर्न कौन जमा करवाएगा, ड्यू डेट क्या होगी, 4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है कि कौन रिटर्न जमा करवाएगा और ड्यू डेट क्या होगी, ये वो हमसे बार बार जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। रिमेंबर एनुअल रिटर्न हर कंपनी जमा करवाएगी, ड्यू डेट क्या है, 30th सितंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर, मतलब 2024 की अगर रिटर्न जमा करवानी है वो होगी 30th सितंबर 2025 की, अगले साल की ड्यू डेट है। फाइनल रिटर्न ये कौन जमा करवाएगा, वो बंदा जो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जो कमिश्नर स्पेसिफाई कर देगा वही क्या होगी, इसकी ड्यू डेट होगी। फिर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हमें कौन जमा कर, ये क्या जमा करवाएगा, स्पेशल रिटर्न, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जो कमिश्नर स्पेसिफाई कर देगा। और रजिस्टर्ड पर्सन क्या जमा करवाएगा, मंथली रिटर्न, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 15, अगर 15 तक टैक्स जमा करवा दे तो 18 तक क्या करनी होती है, इसने अपने रिटर्न सबमिट करवानी होती है। तो ये टेबल जो है इसे क्या करना है, आपने याद करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल कितने आए हैं, जरा देखें, ऑटम 22 का रीसेंट सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सेम क्वेश्चन के, इन लोगों का रजिस्टर्ड होना बनता है कि नहीं बनता, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल सप्लायर्स लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ करंगी कराची। हम अगर यहाँ पे कहें कि ये बंदा कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है, बिकॉज कौन सा एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, अगर ये कॉटन इंडस्ट्री के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो फिर इसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। रिटेलर जिसके एनुअल टर्नओवर 20 मिलियन 2 करोड़ का, खुद सोचें कौन सा ऐसा रिटेलर इसका इतना टर्नओवर हो, ये बड़े रिटेलर होंगे। अगर ये टीयर वन में फॉल कर रहा है तो इसके लिए जो है लाजमी है रजिस्टर्ड होना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्जाम सप्लायर्स, ये तो एग्जाम्ट में है, इसके लिए लाजमी नहीं है। एक्सपोर्टर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इस तरह रिफंड क्लेम करना है, इसके लिए लाजमी है रजिस्टर्ड होना। ठीक है,
फिर ऑटम बेस का सवाल है, रैपिड एसोसिएट्स हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सिंस 2014 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2020 आर ए इशूड फेक सेल्स टैक्स इनवॉइसेस अमाउंटेड टू रुपीज 5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। क्या किया है इसने, एक इनवॉइस इशू कर दिया 5 मिलियन की। अपार्ट फ्रॉम दिस आर ए हैज ऑलवेज बीन इन कंप्लायंस विद ऑल रेगुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स, उसने हमेशा तमाम कंप्लायंस किया, बस उसने एक इनवॉइस जो है फेक दे दी है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रूल्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द कंसीक्वेंसेस व्हिच आरए मे हैव टू फेस ड्यू टू इश्यूअर ऑफ फेक इनवॉइसेस। क्या कंसीक्वेंसेस हैं, विदाउट प्रायर नोटिस सीधा क्या होगा, ये बंदा सस्पेंड होगा। अब सस्पेंड होगा इससे क्या किया जाएगा, इससे हम इशू करेंगे सस्पेंशन ऑर्डर, उसके 7 डेज में इसने क्या उसमें 15 डेज में क्या करेंगे, इसको हम शो कॉज नोटिस देंगे 7 डेज में, 15 डेज में इसने एक्सप्लेन करना होगा। अगर नहीं कर पाएगा एक्सप्लेन तो क्या हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन करता है तो लेकिन इससे चूंकि फेक इनवॉइस इशू की है, हम इसको क्या करेंगे, पेनलाइज करेंगे, पेनल्टी पड़ेगी, वो पेनल्टी पे करेगा तो इसका काम जो है वो सीधा हो जाएगा, बट ये सस्पेंड जो है वो क्या होगा, पक्का हो रहा होगा। तो है अगर ऑफेंस कंफर्म है फिर तो ब्लैकलिस्ट, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट होता है, 100% सेल्स टैक्स अलोंग विद पास पेपर जो है वो मैंने क्या किया है, मैंने आपको करवा दी है। मतलब ये सारी एडजस्टमेंट पूरा सेल्स टैक्स जो है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। बुक में तो यहाँ पे एज पर द प्लानर हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट होता है। हमने कल से लेके अभी तक गालिबन 8 के करीब न्यूमेरिकल्स कर ली हैं, और अगर थ्रेटिकल क्वेश्चंस की बात करूँ, जितने थ्रेटिकल क्वेश्चंस जिस जिस एरिया के साथ आए हैं वो भी हमने सारे कर लिए हैं। मतलब जितने थ्रेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सारे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने रिपीट वाले क्वेश्चंस नहीं पकड़े, हर टॉपिक के अभी तक जितने थ्रेटिकल क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो भी आपको करवा दिए हैं, और मैंने आपको आर्ट्स न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। अब कल के दिन मैं आपको एक अदा करूँगा न्यूमेरिकल फुल फ्लेज, उसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो एज़ पर द कमिटमेंट सेल्स टैक्स परसों कल स्टार्ट हुआ है, कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, आपको जो मेन न्यूमेरिकल्स की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, एक न्यूमेरिकल जो है वो हम कल भी कर लेंगे। ये 2 दिन की स्लाइड्स हैं, जितना कंटेंट है अगर आप ये कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया इसमें सारा पेपर आता है, इसमें से बाहर आज तक कोई पेपर नहीं आया। तो कल आफ्टर न्यूमेरिकल मैं पूछूंगा कहाँ स्टैंड करते हैं, कोई नज़र आ रही है उम्मीद पेपर पास करने की कि नहीं आ रही, वो कल मैं पूछ लूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद न्यूमेरिकल्स, और कल हम मूव करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर।